हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज़ में होने वाली एक भी इंसिडेंस छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि डिवाइन थंडर अब अपेयर होने वाला है और जल्द ही उस वर्ल्ड में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा वही इस नौरंगी डिवाइन कलर को इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि उसके पास गॉड गिवन बॉडी होगी और वही आगे जाके सुप्रीम ह्यूमन बनेगा। अब आगे हमें एक कुशू नाम का कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग कंट्री के जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं वह यही भविष्यवाणी कर रहे होते हैं कि वो चुना गया सुप्रीम ह्यूमन जल्द ही पैदा होने वाला है, जो कि इस कंट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचने में हेल्प करेगा। उसी चूजन चाइल्ड की वजह से ये जो जियांग कंट्री होगी वो एक पूरी डायनेस्टी को ओन करेगी। इसीलिए अब उस जियांग कंट्री में सारी जगह ये पर्चे डलवा दिए जाते हैं कि जो भी स्टेट हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो कोई सिटी या मैंशन या वीला हो, सभी को मर्ज किया जा रहा है और कोई भी अपना एक प्राइवेट स्टेट नहीं रख सकता। और किसी ने भी उस बच्चे के पैदा होने की इन्फॉर्मेशन किंगडम तक पहुँचाई तो इसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन जो भी अगर ऐसी बातों को किंगडम से छिपाएगा तो उसे तुरंत ही मौत की सजा दी जाएगी। इवन कि उसकी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि उसके पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और यही हमारी सीरीज का मेन लीड होता है। यहाँ वो घर से भाग रहा होता है कि तभी इसके फादर उसे रोक लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं पड़ती। यहाँ जो इसके फादर होते हैं वो उसे शिलोंग सेक्ट जाने से मना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस किंगडम का सेकंड क्लास का सेक्ट होता है और हमारे मेन लीड के जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा पुअर है और उसके इसी वीक कल्टीवेशन के कारण वहाँ के लेवल्स को पास करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे एक घोड़ा देते हुए कहते हैं कि अगर तुम उस असेसमेंट में पास नहीं होते तो तुम यहाँ पे आने में देर नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक जॉब का अरेंजमेंट करवा दूंगा। जिस पे वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। आगे हमारा मेन कैरेक्टर जंगल के रास्ते से होते जा रहा था और काफी ज्यादा घनघोर बारिश होती है, अचानक बहुत तेज बिजली कड़कती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे वो काफी सर्व पेन में होता है और उसकी बॉडी के अंदर हम एक अलग ही फॉर्मेशन को देखते हैं और अब एक ड्रैगन के जोरदार दहाड़ के साथ वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है और उसे अब अपनी पुरानी यादें सताने लगती हैं कि कैसे उसके कजन उसे बुली किया करते हैं और उसे अपनी फैमिली का एक मेंबर भी नहीं समझते उसकी वीक कल्टीवेशन के कारण। उन्होंने ही इसे यहाँ बहुत मारा होता है ताकि वो उस शिलोंग सेक्ट में जाके एनरोलमेंट ना करवा ले, कि उन लोगों का कहना था कि ये इसके लायक ही नहीं है कि ये कोई प्रैक्टिस कर सके किसी मार्शल आर्ट्स की। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें शिलोंग सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट उस ट्रायल को देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं। वो हमारा यहाँ पे मेन लीड भी पहुँचता है, जो कि अपना नाम यहाँ पे सुफेंग बताता है। अब वो जो नाम को रजिस्टर करने वाले होते हैं वही इसके कजन होते हैं, जो फिर से इसकी बेइज्जती करने लगते हैं, जिस पे यहाँ सुफेंग उन्हें ये जवाब देता है कि अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं इस एकेडमी में एडमिशन लो तो तुम्हें बस मुझे मारना नहीं चाहिए था बल्कि मेरे टांगों को ही तोड़ देना चाहिए था। अब आगे उसका कजन उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने से मना कर देता है, जिसपे यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एल्डर अपेयर होती हैं जिसका नाम सूरी होता है। यहाँ वो उन सबको डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें दूसरे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने को कहा था, ना कि उन्हें बुली करने को। जिसपे वे लोग कहने लगते हैं कि ये हमारी फैमिली का सबसे यूजलेस ट्रैश है, जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी सुचेबल नहीं है। इसमें सूर्य उनसे कहती है कि ये डिसाइड करने वाले तुम लोग नहीं हो, क्योंकि अभी तक असेसमेंट शुरू नहीं हुआ है। अब यहाँ पे उनके एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत होती है। अब वहाँ पे उस सेक्ट का जो सबसे चीफ डिसिपल होता है, जिसका नाम लुइन होता है, वो यहाँ इस एग्जामिनेशन के रूल को उन्हें बताता है कि तुम्हें इस डोर के अंदर जाना होगा और इसे पार करना होगा, वो भी सूरज डूबने से पहले। अगर तुम में से कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसे तुरंत ही सिंगलोंग सेक्ट का इनर स्टूडेंट के तौर पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और यही नहीं, एल्डर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि टॉप कैंडिडेट को 3 रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। पहला रिवॉर्ड ये होगा कि उसे आगे कोई भी टैलेंट टेस्ट देना नहीं होगा और डायरेक्टली उसे प्रमोट किया जाएगा यहाँ के मुख्य डिसिपल के तौर पे।
दूसरा रिवॉर्ड ये होगा कि उसे 5 फेरी ग्रास दिया जाएगा, जिसे खाते ही वो बंदा तुरंत ही अपने 4th लेवल पे पहुंच जाएगा। और तीसरा रिवॉर्ड ये होगा कि उसे 3 थंडर स्टाइल्स दिए जाएंगे। अब इन रिवॉर्ड्स को सुन के उन सब की आंखें चौंधिया जाती है और उनका असेसमेंट शुरू होता है। सारे दौड़ते भागते हुए उस खंडर जैसे दिखने वाले गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब ये एक तरह की बुलबुलाइयां होती है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स घूम फिर करके एक ही जगह आ जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम सूफेंग को देखते हैं जो वहीं उस बुलबुलैया में खोसा गया होता है कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है कि जल्द से जल्द दाएं मुड़ो। अब यहाँ सूफेंग को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि उससे ये कौन बात कर रहा है। वो लगातार उसे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि अब तुम्हें सीधे जाना है, इसके बाद तुम्हें राइट जाना है। ये वो वॉइस उसे बोलती है कि क्या तुम स्टूपिड हो, मैं बोल रही हूँ कि तुम लेफ्ट मुड़े तो क्यों नहीं मुड़ते, इससे तुम्हें कोई हर्ट नहीं होगा। अब लेकिन अब इसी चीज को उन एल्डर में से एक जो मास्क मैन होता है वो समझ जाता है कि कोई ना कोई है जो एग्जामिनेशन रूम में अपनी मेंटल पावर यूज कर रहा है। इधर सीन सूफेंग की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर वो एक गुफा के सेंटर में पहुंच जाता है जहां उसे रिवॉर्ड की वो दोनों चीजें रखी हुई मिलती हैं। अब जैसे ही सूफेंग उन चीजों को टच करता है हम देखते हैं कि वहां बड़े बड़े पत्थर फ्लोट हो रहे होते हैं जिनसे अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर्स कूद जाते हैं। अब ये टोटल इस एग्जामिनेशन के लिए एल्डर्स ने 40 मॉन्स्टर्स का अरेंजमेंट किया था जिनमें से सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे अटैक करने लगते हैं सूफेंग पे। आगे हम देखते हैं कि सूफेंग उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है लेकिन ये मॉन्स्टर्स उस पे भारी पड़ जाते हैं कि तभी यहाँ पे सूफेंग जो होता है अपने उसी ह्यूमिलेशन को याद कर रहा होता है कि कैसे उसके कजन्स उसे बुली किया करते थे और उसे बीट करते थे। अब यहाँ पे सूफेंग की आईज की कलर चेंज हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रही होती है और यहाँ वो ये डिसाइड करते हुए कि अब वो किसी प्रकार के बुलीनेस को नहीं सहेगा और तुम जैसे बीस्ट से तो यहाँ पे कभी भी हार नहीं मानेगा। यहाँ पे वो उसी स्पिरिचुअल ऑरा को यूज करता है और उनमें से एक मॉन्स्टर को ऐसा बीट करता है कि सारे मॉन्स्टर उससे फाइट बैक करने से पीछे हट जाते हैं। अब दूसरे कैंडिडेट्स भी वहाँ पे पहुँचते हैं जो कि सूफेंग की इस ऑरा को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे सूफेंग समय से पहले ही टास्क को कम्प्लीट कर देता है और अब वो शिलोंग सेक्ट का कोर डिसिपल बन चुका था जिसके लिए लूशन उसे बधाई देता है लेकिन उसके भी चेहरे पे यहाँ पे कुछ डर का भाव नजर आ रहा होता है जिससे एल्डर उसे कहते हैं कि वो अपने लिंगियों के मात्र 5th लेवल पे है। क्या इस नए लड़के ने तुम्हें स्ट्रेस्ड आउट कर दिया है कि कहीं वो तुम्हारी पोजीशन ना ले ले। जिसपे एल्डर सूरी उनसे कहती है कि मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को नहीं देखा जिसने इंटर करते ही अपने 5th लेवल पे पहुंच चुका हो। अब आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सूफेंग कल्टीवेट कर रहा होता है जहां उसे पता चलता है कि वो अपने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 5th लेवल पे पहुंच चुका है। तभी कुछ बुलीज उसे बाहर आने को कहते हैं और ये सभी ही सूफेंग के ही फैमिली से होते हैं। अब ये सारे उसके कजन्स ही होते हैं जो उसे कह रहे होते हैं कि चुपचाप तुम्हें जो वो रिवॉर्ड मिला है वो हमारे हवाले कर दो कि तुम जैसा यूजलेस स्ट्रेस कभी उस असेसमेंट में पास ही नहीं हो सकता, जरूर तुमने किसी प्रकार की चीटिंग की होगी। जिस पर उनका मेन बंदा उसे कहता है कि चुपचाप वो फेरी ग्रास और वो 3 स्टाइल थंडर हमें दे दो फिर मैं तुम्हारे यहाँ सिंगलोंग सेक्ट में प्रोटेक्शन करूंगा। जिस पे सूफेंग उसे कहता है कि हम सभी का एक ही सरनेम है इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा बखेड़ा मत खड़ा करो जिससे दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाएं। जिस पे उसका फर्स्ट कजन उसे कहता है कि तुम मजाक की बात कर रहे हो, तुमने जो असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है ना यही हमारे लिए सबसे बड़ा मजाक है। इससे पहले कि वो मेन बंदा यहाँ पे कुछ जबरदस्ती कर पाता हम देखते हैं कि जो सूफेंग होता है वो ऐसा अटैक उन पे करता है जिससे उन सभी की हवा टाइट हो जाती है। अब ये देख के यहाँ ये लोग भी समझ जाते हैं कि ये अपने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 5 लेवल पे पहुंच चुका है इसीलिए वो जो मेन बंदा होता है अब गिरगिट की तरह यहाँ पे अपना रंग बदलते हुए सभी से कहता है कि मैं तो अभी सभी को यही एडवाइस दे रहा हूँ कि हम एक ही फैमिली से हैं तो हम अपने ही ब्रदर को कैसे बुली कर सकते हैं, तो बाहर वालों के लिए ये सबसे बड़ा मजाक का विषय बन जाएगा। वैसा कहते हुए वो अपने बंदे को वहाँ से लाता हुआ चला जाता है। आगे हम सूफेंग को देखते हैं जो वापस से कल्टीवेट करने लगता है। जैसे यहाँ सूफेंग कल्टीवेट करता है तुरंत ही वहाँ का मौसम में परिवर्तन हो जाता है, चारों तरफ बादल छा जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब थंडर अटैक होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि सूफेंग को यहाँ पे उस ड्रैगन के विजन्स आने लगते हैं और ये वही मिस्टीरियस आवाज होती है जो इस ड्रैगन की होती है। यहाँ पे सूफेंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी बॉडी के अंदर ये अजीब सी हलचल कैसे हो रही है, जिस पे वो ड्रैगन यहाँ उसे कहता है कि तुम्हें गेस करो कि मैं कौन हूँ। जैसे यहाँ सूफेंग की आंखें खुलती हैं हम फिर से उसके आईज को चेंज हुआ देखते हैं और यहाँ उसकी मिस्टीरियस स्माइल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। आवाजें भी सुनाई देती है जो उससे बात करती है और यही मिस्टीरियस आवाज उसे गेस करने को बोलती है कि आखिर बताओ मैं कौन हो सकती हूँ। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हुआ था।
आगे उसी जगह से एपिसोड शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और सोफेंग जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है उसके सामने उसके सारे के सारे कजन्स होते हैं जो कि उसे यहां नमन करते हुए उसे आग्रह कर रहे होते हैं कि वो उनके गैंग में शामिल हो जाए ताकि उनकी ये जो सू फैमिली है वो इस सिलोंग सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल लीग बन जाए। ये लोग कल ही सोफेंग को बुली कर रहे होते हैं और उसे एक यूजलेस ट्रेस कहते हुए उसका रिवॉर्ड भी उसे छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन बंदों को पता चलता है कि अब सोफेंग अपने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट में 5th लेवल तक पहुंच चुका है सभी ही ग्रीट की तरह रंग बदलते हैं और यहाँ पे इसकी पैरवी करने चले आते हैं। लेकिन सोफेंग के भी यहाँ तेवर बदले हुए रहते हैं। वो इन्हें देखते ही तपाक से इनके मुँह के सामने दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पे सोफेंग को ये बताया जाता है कि इस शिलोंग सेक्ट में बहुत सारे ऐसे अमीर डिसिपल्स हैं जिन्होंने अपना अलग अलग ग्रुप या अलायंस कह सकते हैं वो बना लिया है। सारे ग्रुप्स यही चाहते हैं कि वो अब सोफेंग जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है उस फर्स्ट पोजीशन को हासिल करने के बाद इसीलिए वो इस कोर डिसिपल को अपने अलायंस में शामिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सोफेंग के जो अपने कजन्स होते हैं वो उसे ये दुआई दे के बाहर निकलने को कहते हैं कि हमारी ये जो सू फैमिली है वो इस सिलोंग सेक्ट में काफी वीक और स्मॉल है लेकिन तुम हमारी ही फैमिली के हो और हमारे ही कजन हो तो तुम हमारे भाई होने के नाते हमारी ही लीग में शामिल हो जाओ और ये याद रखना कि हम तुम्हारे सच्चे कजन्स हैं जो मुसीबत के वक्त में हम ही तुम्हारे काम आएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं सोफेंग बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं जो भी नए डिसिपल्स हैं उन्हें इक्लिजर हंट के लिए जाना है तो तुम लोग यहाँ ड्रामा बंद करो। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसके कजन्स में से जो मेन बंदा होता है वो यहाँ भीख मांगते हुए उसे गिड़गिड़ाने लगता है। अब जैसे ही सोफेंग यहाँ मेन डोर देखता है उसके सामने तो एक और बड़ी भीड़ नजर आती है कि अपने अपने अलायंस और ग्रुप का नाम लेते हुए उससे कह रहे होते हैं कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। इनके लड़कियों का ग्रुप भी उसे कह रहा होता है कि तुम हमारे अलायंस में शामिल हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दो पावरफुल बंदे अपेयर होते हैं जिनमें से एक व्हाइट ड्रैगन होता है दूसरा व्हाइट टाइगर होता है। हाँ वो उन सभी को शांत करते हुए कहता है कि ये बंदा पहले से ही हमारे विंग अलायंस में शामिल हो चुका है। अब ये जो बंदे होते हैं इनको देखते ही वहाँ सभी लोग खुसर खुसर करने लगते हैं कि ये जो विंग अलायंस है ये इस शिलोंग सेक्ट का नंबर 1 अलायंस है जो कि कभी भी न्यू डिसिपल्स को या कोर डिसिपल्स को अपने ग्रुप में कभी भी रिक्रूट नहीं करते। तो फिर ये आखिर सोफेंग को कैसे रिक्रूट कर सकते हैं? यहाँ वो बंदे इस चीज का खुलासा करते हैं कि जूको सिटी के जो लॉर्ड हैं, उनकी जो डॉटर सुमे है उसने अभी अभी सेक्ट को ज्वाइन किया है। साथ ही वो इसी सेक्ट की जो एल्डर सूरी है उसकी सिस्टर भी है और वही हमारी इस विंग अलायंस की न्यू लीडर है। और आगे वो अपना परिचय सोफेंग को देते हुए कहते हैं कि हमारी जो लीडर सुमे है उसने तुमसे बात करने के लिए चैट रूम में बुलाया है। और फिर सभी लोग यहाँ भी फिर से खुसुर खुसुर करने लगते हैं कि अभी अभी उसने सेक्ट ज्वाइन किया है और वो लोगों को समन भी करने लगी है। जरूर ये एल्डर सूरी के बहन होने का गलत इस्तेमाल कर रही है। आगे वे लोग उससे कहते हैं कि तुम काफी लकी हो क्योंकि हमें उस विंड अलायंस में आने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। अब इतना उसे कहने की देर थी जो सोफेंग होता है उसे अपने हाथों से परे करते हुए कहता है क्या सुमी और क्या चौमिन मुझे किसी के अलायंस में शामिल नहीं होना और वहाँ से वो चलते बनता है। अब इसके इस एटीट्यूड से सभी लोगों के वहाँ मुंह खोले के खुले रह जाते हैं। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्पाई को जो इन सारी बातों को उस लुयन को जाकर के बताता है। अब यहाँ लुयन जो कि उस सेक्ट का जीनियस डिसिपल होता है और उसकी काफी दूर तक पहुँच होती है और यहाँ सोफेंग के जीतने से ही वो उसकी आंखों में कुछ खटक सा रहा होता है और उसे ये इनसिक्योरिटी सताने लगती है कि कहीं ना कहीं ये बंदा मेरे रास्ते का रोड़ा जरूर बनेगा। अब यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि उन सारे न्यू डिसिपल्स का पहला क्लास आरंभ होता है। यहाँ उन सब को अलग अलग तरह के इक्लिजर्स को हंट करने का टास्क दिया जाता है। यहाँ पे जो एल्डर सूरी होती हैं उन्हें उस टास्क के बारे में बताती हैं कि तुम लोगों को ऐसे इक्लिजर्स को कलेक्ट करना होगा जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा हो। यहाँ इस माउंटेन में तुम्हें ऐसे कई सारे इक्लिजर्स मिल जाएंगे और जो इक्लिजर्स ज्यादा हाई ग्रेड के होंगे उन्हीं में ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स होंगी लेकिन ये टास्क तुम्हें लिमिटेड टाइम में ही करना होगा। साथ ही याद रखना कि इस माउंटेन के जो वो कोहरे वाले इलाके में तुम्हें जाना मना है। अगर तुम लोग उस फॉरबिडन एरिया में गए तो अपने रिस्क पे जाना क्योंकि वहाँ जाओगे जिंदा और वहाँ से वापस कुछ भी नहीं आ पाएगा इवन कि तुम्हारी बॉडी भी। आगे वो ये भी बताती है कि ये इक्लिजर माउंटेन साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है और तुम लोगों के लिए सिर्फ ये एक ही चांस है।
अब यहाँ पे उनके एक्लिजर हंटिंग का टास्क शुरू होता है। सारे के सारे डिसिपल्स पागल कुत्ती की तरह उस माउंटेन में एक्लिजर्स को ढूंढने लगते हैं कि तभी उनमें से एक ग्रुप को एक ऐसा अमृत पेड़ दिखता है जो कि उन्हें देखते ही दुम दबाते हुए भाग जाता है। और यहाँ पे वो ग्रुप उस अमृत पेड़ का पीछा करने लगता है और उसी के पीछे सूफिंग भी जाने लगता है। तभी वो मिस्टीरियस आवाज उसे कहती है कि तुम भीड़ के पीछे जा रहे हो तो कभी भी सक्सेस नहीं पाओगे। आगे वो वॉइस उसे बताती है कि फाइनली मुझे कोई मिल गया जिससे मैं अब चैट कर सकती हूँ। जिसमें यहाँ सूफिंग उससे पूछता है कि मैं यहाँ इस माउंटेन पे सबसे बेस्ट एक्लिजर कहाँ ढूंढ सकता हूँ। जिसपे वो वॉइस उसे जवाब देती है कि तुम्हें वेल्थ वहीं मिलेगा जहाँ पे रिस्क होगा। चूंकि यहाँ पर एल्डर सूर्य ने उस फॉरबिडन एरिया में जाने से मना किया होता है, इसलिए सूफिंग भी कहता है कि वो उस रिस्ट्रिक्शन एरिया में नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता है वहाँ काफी डेंजर हो। इस पे वो वॉइस उसे कहती है कि तुम्हें आखिर किस चीज का डर है, तो आज के बाद से तुम याद रख लो कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। बागे उसकी बात को सुनते हुए सूफिंग ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है और वो उसी कोहरे वाले इलाके में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसका शुरू से पीछा करते हुए आ रही होती है। यहाँ वो उसे देख के कहती है कि ये लगता है पागल हो गया है, ये अपने से क्या ही बड़बड़ा रहा है। जब इसे फॉरबिडन एरिया में जाने से मना किया गया है तो ये बंदा कानून को तोड़ते हुए उधर ही जा रहा है। आगे वो यहाँ पे वो सूफिंग का पीछा कंटिन्यू करती है। अब अगले सीन में हमें उसी कोहरे वाले इलाके को दिखाया जाता है जहाँ सूफिंग उस वॉइस से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये कहती है कि वो क्वीन है और तुम मुझे हर मैजेस्टी बुला सकते हो। अब यहाँ इनके बीच काफी बातचीत होती है जिसपे सूफिंग उसके पेट पे ये अजीब सी चीज क्या है इसके बारे में पूछता है। जिसपे वो उसे बताती है कि ये 9 कलर डिवाइन थंडर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ खुद से ही फर्स्ट प्लेस ला पाए हो उस एग्जामिनेशन में, और तुमने ये जो रातों रात स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट में 5th लेवल गेन किया है और उस एग्जामिनेशन में जो तुमने फर्स्ट रैंक लाया है, ये सिर्फ उस डिवाइन थंडर के अवेकन के कारण हुआ है। इसमें यहाँ सूफिंग उसे कहता है कि इसका मतलब है कि वो डिवाइन थंडर मेरे बॉडी के अंदर है। जिस पे वो वॉइस उसे बताती है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो हेवन लेवल के ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। ये ब्लड लाइन सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जो कि ग्रेट 1000 अपर रिल्म से होते हैं। अभी तुम जिस कॉन्टिनेंट में रह रहे हो वो एक जियो नामक लोअर रिल्म है और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं इनके काफी लोवेस्ट मार्शल आर्ट टैलेंट होती है और जियो सबसे लोअर रिल्म है और इसके अबव भी और सारे रिल्म्स होते हैं, जैसे कि बायरन रिल्म होता है और एक डार्क्वीन अपर रिल्म होता है। जिसपे यहाँ सूफिंग उससे पूछता है कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट और अपर रिल्म से बिलोंग कर रहा हूँ तो फिर मैं इस रिल्म में क्या कर रहा हूँ। जिसपे वो उसे कहती है कि मुझे इसके बारे में क्या पता। तो आगे सूफिंग उससे कहता है कि तुम भी तो मेरे बॉडी के अंदर हो, तो आखिर तुम क्या चीज हो। इससे पहले कि वो इसका जवाब दे पाती, यहाँ वो बासी लेते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों से बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ और मेरी कल्टीवेशन लेवल काफी वीक हो चुकी है और मैं सारे दिन के लिए इतना लंबा जाग नहीं सकती, सो मैं जा रही हूँ अभी सोने के लिए। अब यहाँ सूफिंग उसे कह रहा होता है कि मुझे इस खतरनाक एरिया में इस तरह अकेला मत छोड़ो और अभी सोने के लिए तो मत जाओ। तभी उसकी नजर पड़ती है उन हड्डियों के ढांचे पे और वहाँ पे उसे ढेर सारे ह्यूमन स्केलेटन्स नजर आते हैं, लेकिन साथ ही उसे वो अमृत पेड़ भी मिल जाता है। और जैसे वो उसे ग्रैब करने वाला होता है हम देखते हैं कि पीछे से वही लड़की सूफिंग पे अटैक कर देती है उसे ये कहते हुए कि ये एरिया फॉरबिडन है, ये जानते हुए भी तुमने यहाँ आने की गलती कैसे की। तो सूफिंग उसे जवाब देता है कि तुम भी तो यहाँ पे आई हो। अब यहाँ पे वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो वही विंड अलायंस की लीडर है और उसका नाम सूमिंग है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही सूफिंग ने कहा था कि मैं किसी सूमिंग चौमिंग को नहीं जानता और ना ही उनके अलायंस में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। आगे वो उसे ये कहते हुए अटैक करने लगती है कि बाय द चांस उस तुम एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पे आ गए तो तुमने लोगों को कमतर समझ लिया है और तुमने यहाँ तक के कह दिया कि वो उस विंड अलायंस में तुम शामिल नहीं हो सकते। अगर मेरी बहन एल्डर सूरी ने तुम्हें रिकमेंड नहीं किया होता तो मैं कभी भी इसके लिए तुम्हें बुलावा नहीं भेजती। तभी हम देखते हैं कि इनके फाइटिंग के बीच सूफिंग की नजर उस ग्रीन फॉग पे पड़ती है। यहाँ पे एक अजीब सा घोस्ट उसे नजर आता है और वो सूमी से कह रहा होता है कि अपने पीछे तो देखो, लेकिन जैसे सूमी पीछे देखती है उसे कुछ नजर नहीं आता। यहाँ वो घोस्ट सूफिंग से कहता है कि तो अच्छा तुम मुझे देख सकते हो। अब जैसे ही उस घोस्ट के टेंटिकल्स यहाँ सूमे को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, हम देखते हैं कि सूफिंग उसे बचाने के लिए यहाँ उसकी मदद करने लगता है। जिसपे वो घोस्ट उससे कहता है इस लड़की ने अभी अभी तुम पे अटैक किया और इवन तुम इसकी मदद कर रहे हो। और आगे हम देखते हैं कि अब उस घोस के टेंटिकल्स ने सूफिंग को भी जकड़ लिया होता है, लेकिन हम यहाँ तभी देखते हैं कि सूफिंग की जो डिवाइन थंडर पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वहाँ इतनी बड़ी एनर्जी जनरेट होती है कि वो घोस्ट डिस्ट्रॉय तो हो जाता है और यहाँ ये दोनों बेहोश हो जाते हैं।
अब इन दोनों के नॉकआउट होती है, हमारा ये एपिसोड का पार्ट यहीं फिनिश होता है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है ये दोनों ही वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। अब आगे हम उस घोस्ट को देखते हैं जो ये समझ जाता है कि सूफेंग के अंदर ही डिवाइन थंडर है, और यहाँ पे वो उसे ये कहते हुए कि कितने हजार सालों से तुम ही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उस एरिया में एक नहीं बल्कि कई अमृत पेड़ होते हैं जिसका वो इस्तेमाल करके सूफेंग को हील करने लगता है। अब यहाँ पे वो घोस्ट उसे हील करते हुए कहता है कि फाइनली मुझे जिस टैलेंट की तलाश थी वो आज मिल गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब इसके साथ ही उस इलाके में जो इतने हजार सालों से घना कोहरा छाया था वो तुरंत ही छट जाता है। इन्हें उस एक्लिजर हंटिंग के लिए जो टाइम दिया जाता है कि उन्हें सनसेट होने से पहले उस माउंटेन से बाहर आना है, क्योंकि यहाँ इनका टाइम अप हो जाता है क्योंकि अब सूरज डूबने ही वाला था और ये दोनों अभी तक बेहोश ही होते हैं। कि वहीं अब दूसरी तरफ हमें बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने बोरियां भर के एक्लिजर्स को ढूंढ लिया था, लेकिन अब रात हो चुकी होती है और उन दोनों का अब तक पता नहीं होता। यहाँ एल्डर सूरी उनका इंतजार कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि सूफेंग सोमिया को लेकर के आता है। यहाँ पे उसके बताने के बाद कि सोमिया उस गहरे धुंध में फंस चुकी थी, यहाँ एल्डर सूरी उससे कहती है कि मतलब तुम उस फॉरबिडन एरिया में गए थे, जिसपे यहाँ सूफेंग उससे पूछता है कि उस फॉरबिडन एरिया में गहरा धुंध है, इस बात को आपको पता है, मतलब आप भी वहाँ पे जा चुकी हैं। जिसपे वो कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन सिलोंग सेक्ट के बहुत सारे मास्टर्स थे, वो डीप सेल्फ कल्टीवेशन करना चाहते थे इसीलिए वो वहाँ पे गए थे, लेकिन गए तो काफी मास्टर्स थे लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं चला। अब इस पे यहाँ पे सूफेंग को ये याद आता है कि वहाँ जो स्केलेटन्स थी वो उन मास्टर्स की होती हैं, क्योंकि आगे एल्डर सूरी उसे बताती है कि उन हजार सालों में अब तक तुम्हारे अलावा कोई भी वहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं आया है। जिस पे आगे वो उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पे क्या है और तुमने अंदर वहाँ पे ऐसा क्या देखा। यहाँ पे सूफेंग इस बात को पूरी तरह से टाल देता है ये कहते हुए कि वहाँ इतना कोहरा धुंध था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और उसे हम अपने रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं जहाँ पे कई स्टूडेंट्स की भीड़ जमा थी। जो सूफेंग वहाँ पे पहुँचता है उसे अलग ही फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है, क्योंकि उसके सभी कजन्स के लिए घर से एक एक लेटर आया था। अब एक ऐसा ही लेटर सूफेंग के लिए आया था जिसमें उसके फादर बताते हैं कि यहाँ घर की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, तुम्हें अपने मार्शल आर्ट पे फोकस करना है और कभी भी घर आने की कोशिश मत करना, खास करके जब माहौल इतना खराब हो। अब यहाँ पे उसके कजन से हमें पता चलता है कि उन सभी को एक एक लेटर दिए गए हैं ताकि उन सभी को बुलाया जा सके, क्योंकि उसके सारे अंकल्स उस बैटल में चले गए हैं और उनके जो सबसे बड़े दुश्मन है उनकी पूरी सिटी पे कब्जा करने के लिए उन्होंने इन पे धाबा बोल दिया है, जिसका रोक करने के लिए सू की फैमिली ही आगे बढ़ी थी, इसलिए उन्होंने सू फैमिली के सारे मेंबर्स को कैप्चर कर लिया है और सिर्फ ग्रैंडपा ही है जो घर में बचे हैं। सभी को उन्होंने उस बैटल में हरा दिया है और अब हमारी बारी है। जिसपे सूफेंग यहाँ पे तैयार हो जाता है ये कहते हुए, तो चलो हमें अब घर जाना है। तो रास्ते में जो उसका कजन होता है ये आखिर फाइट किस लिए हो रही होती है इसके बारे में पूरी कहानी बताता है कि कई साल पहले जब जोक्यो सिटी डिक्लाइन पोजीशन पे पहुंच गया था तो एक दूसरी सिटी ने उस पर जबरदस्ती अधिकरण करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें अपने किंगडम को और ज्यादा विस्तार करना था, और वे लोग ऐसा कई सारी सिटीज के साथ कर रहे थे, उनसे फाइट करते थे और उनके लोगों को बंदी बना करके अपने किंगडम में शामिल कर चुके थे। लेकिन अब उनकी नज़र हमारे कोशान टाउन पे है और इस पूरे टाउन को जबरदस्ती कैप्चर करने के लिए उन्होंने हमारी फैमिली पे ही सबसे पहले अटैक किया है। अब ये जो जबरदस्ती से कैप्चर करने वाले लोग होते हैं वो जोयान सिटी के होते हैं। अब हमें उसी बैटल सीन को दिखाया जाता है जहां उसी जोयान सिटी के ही जो मेंबर्स होते हैं वो सू फैमिली के हर एक मेंबर से फाइट कर रहे होते हैं। अब यहां पे एक जो तगड़ा विशाल बंदा होता है वो एक एक करके इन सभी को हरा चुका होता है और यहां अब उनके उस सू फैमिली में सिर्फ ग्रैंडफादर ही बचे होते हैं। अब यहां वो जो जोयान सिटी का लीडर होता है वो अपने बेटी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी फैमिली का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था उसे भी मेरे बेटे ने इतनी आसानी से हरा दिया, तो क्या तुम लोग चुपचाप से अब सरेंडर करते हो या अगली फाइट के लिए बुढ़े तू आएगा। इस पे ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम हमारे इस टाउन को आसानी से कैप्चर नहीं कर सकते, जाके अपने उस सुजुको सिटी से बता दो जो कि तुम्हारे कर्ता धरता है कि हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। जिस पे वो उसे जवाब देता है कि सुजुको सिटी तो इतना बड़ा किंगडम है कि तुम जैसे लोग उसके सामने चींटी के बराबर भी नहीं हो। अब ये सुनते ही वो जो उसका बेटा होता है वो इतने खुखार तरीके से उस हारे हुए बंदे को ऐसा उठाता है और मादर अपने एक हाथ का यूज करके ही उसे वहीं मार डालता है। अब ये चीज ग्रैंडपा से देखा नहीं जाता और अब वो उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो सू फेंग के फादर होते हैं वो अपने पिता को फाइट में जाने से मना करते हैं और उनके जगह पे वो डिसाइड करते हैं जाने का। लेकिन यहाँ जो ग्रैंडपा होते हैं उससे कहते हैं कि ये जो तगड़ा बंदा है वो अपने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 7th लेवल पे है और तुम लिंगियों के मात्र 5 लेवल पे हो, जो कि काफी लोवेस्ट लेवल होता है, तो आखिर तुम इसका सामना कैसे कर सकते हो। इस पे वो एक वफादार बेटी की तरह ये जवाब देते हैं कि इवन कि मेरी जो पावर है वो काफी लोवेस्ट लेवल पे है, तो भी हम यहाँ फाइट करने से पहले गिव अप नहीं कर सकते, और चाहे वो बंदा आज आपके बेटे को मार ही क्यों न डाले फिर भी मैं उससे जाकर के फाइट जरूर करूंगा। अब जैसे ही सू फेंग के फादर उस बैटल स्टेज पे पहुंचते हैं वो अपनी थोड़ी बहुत शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो जो लीडर होता है अपने बेटे को ये कहते हुए ऑर्डर देता है कि इस ट्रैश को मेरे लिए तुम्हें अजमारना होगा। और वो तेजी से खुले सांड की तरह यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब इससे पहले कि वो अटैक कर पाता हम यहाँ देखते हैं सू फेंग को, जो उसे कहता है कि मेरे फादर को टच करने की कोशिश भी मत करना, और मात्र यहाँ सू फेंग की एक पंच में ही वो दूर जा गिरता है। अब ये देख के यहाँ सारे उसके फैमिली मेंबर हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये जो सू फेंग था ये तो सबसे बड़ा निकम्मा और नालायक था हमारी फैमिली का, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट थी इस पूरे फैमिली में। और केवल कुछ ही दिन बीते हैं और इसकी ऑरा को देख के लगता है कि ये स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 5th लेवल पे पहुंच चुका है। अब इसी तरह की बातें वहाँ आसपास में सारे लोग करने लगते हैं, जिसपे कुछ लोग कहते हैं कि भले ही यहाँ सू फेंग की ऑरा 5th लेवल की लग रही हो लेकिन फिर भी इन दोनों में काफी डिफरेंस लगता है, तुम गौर से यहाँ सू फेंग की ऑरा को देखो, ये डेफिनेटली 5th लेवल की तो स्पिरिचुअल मार्ट्स की ऑरा से कहीं ज्यादा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं उसी बैटल स्टेज के सीन को, जहाँ पे वो बंदा खूंखार दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है सू फेंग की तरफ। आगे सू फेंग को उस एंट्रेंस एग्जाम जीतने के कारण जो रिवॉर्ड में 3 स्टाइल थंडर का इनाम दिया जाता है वो उन्हीं में से एक फॉर्मूला का यूज करता है, और मात्र उसके एक मूव से ही गाइस हम देखते हैं कि वो जो बैटल फील्ड होती है वो चकनाचूर हो जाती है। इतनी जोर से वो तगड़ा बंदा यहाँ मार खाता है कि उसके खून के छींटे सीधा उसके बाप के ऊपर गिरते हैं। आगे उसका फादर यहाँ तिलमिलाते हुए सू फेंग पे अटैक करने वाला होता है कि एक जोरदार किक उसे भी पड़ती है, जो सीधा जा गिरता है उस बड़े से स्टैचू के शॉट के ऊपर। और ये देख के सारे लोग इंडियन सीरियल के हर एक मेंबर की तरह शॉक हो जाते हैं कि आखिर सू फेंग ये कैसे कर सकता है। आगे यहाँ सू फेंग उसके फादर से कह रहा होता है कि जिस समय तुमने मेरी इंसल्ट की थी उसी समय से मैंने तुम्हारे लिए इस तरह का अंत सोच लिया था। आगे हम देखते हैं कि उसके फादर की लाश वहाँ पे गिरती है और अब सू फेंग सबको ये अनाउंस करता है कि अब किसी और सिटी को ट्रबल है हमसे, कोई जबरदस्ती हमें अधिकरण करना चाहता है तो वो मेरे सामने आए। और यहाँ हम देखते हैं गाइस कि उसकी इसी चुनौती के साथ हमारा ये एपिसोड यही फिनिश होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सूमिया को, जो कि सू फेंग को अपने विंड अलायंस में ज्वाइन करने के लिए लास्ट बार पूछने के लिए आई थी, क्योंकि उसकी सिस्टर सूरी ने, जो कि सिंगलोंग सेक्ट की एल्डर भी होती है, उसने काफी सूमिया को फोर्स किया है कि वो किसी भी हाल में सू फेंग से विंड अलायंस को ज्वाइन करने के लिए कहे। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जैसे ही सू फेंग यहाँ दरवाजा खोलता है वो सूमिया से कह देता है कि मैं तुम्हारे विंड अलायंस में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ, कि तभी यहाँ सू फेंग का जो कजन है वो चिल्लाते हुए आता है और उसे वो सारी घटना के बारे में बताता है कि एकेडमी से उन्हें एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया था जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रिवॉर्ड मिलने वाला था, कि तभी वहाँ पे लूमेंग नामक एक मोटा डिसिपल आ जाता है जिसने हमारे ब्रदर की काफी पिटाई की है। जब उसने अपना असाइनमेंट मोटे को देने से मना किया तो उसने उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दी, साथ ही उसने उसके पूरी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब है कि वो अब अपने आगे के लाइफ में कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। अब यहाँ सूमिया उसे बताती है कि यहाँ सिलोंग सेक्ट में ग्लिजर हंटिंग के साथ साथ डिसिपल्स को अलग अलग तरह के टास्क यानी असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो कि ना केवल हमारी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव कर देता है, और अगर हमने सबसे पहले उस टास्क को परफॉर्म कर लिया वो भी अच्छे से, तो हमें एज अ रिवॉर्ड के तौर पे कुछ मनी भी दी जाती है। अब यहाँ पे हमें उनकी आगे की बातचीत से पता चलता है कि वो मोटा बंदा जो होता है वो इस पूरे सेक्ट का बुली होता है, जो कि वहाँ पे एक लियो नाम के एल्डर का ग्रैंडसन होता है, और वो एल्डर शिलोंग सेक्ट के टॉर्चर हॉल के बहुत बड़े टीचर हैं, और वो मोटा अपने ग्रैंडफादर की ही वजह से इतनी धाक जमाता है और वो इतना एरोगेंट है कि हम विंड अलायंस वाले भी उससे पंगा नहीं लेते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारा ये जो ग्रुप है वो किसी भी तरह से एल्डर लियो को नाराज कर दे। आगे यहाँ जो उसका कजन होता है सू फेंग से अपनी पुरानी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और अपनी फैमिली के यहाँ मदद करने को कहता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें उसी मोटे को दिखाया जाता है जो सू फेंग के सारे कजन ब्रदर को बुली कर रहा होता है और उन्हें जो जो टास्क असाइन किए जा रहे होते हैं वो धमकी दे करके उन्हें अपने नाम करवाना चाहता था ताकि वो उससे मिलने वाले रिवॉर्ड को छीन सके।
तभी वो मोटा एक लड़की को यहाँ हैरस करने की कोशिश करने लगता है। सुफिंग उसे आके रोकता है कि तभी वो मोटा अपने बंदों से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, इसे जल्द से आके बीटो। और यहाँ वो एक ही अटैक में सबके पर खर्चे उड़ा देता है। आगे वो उस मोटे से कहता है कि तुमने मेरे कजन के यहाँ पैर तोड़े हैं, और वो उसी तरह से उसके भी पैरों को तोड़ देता है। कि तभी वहाँ पे एल्डर लियो आ जाते हैं जो कि उस मोटे के ग्रैंडफादर होते हैं। यहाँ पे वही घिसी पिटी बातें होती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड सन को इस तरह से अटैक करने की, और ये तुम किस तरह का क्राइम कर रहे हो जबकि तुम 2 दिन पहले ही रिक्रूट हुए हो यहाँ इस सिलोंग सेक्ट में। जिसपे सुफिंग कहता है कि इसने एक क्लासमेट के पैरों को तोड़ दिया, तब तुम्हारे ग्रैंड सन ने कोई क्राइम नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने उसकी कल्टिवेशन को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या तुम्हारे ग्रैंड सन के लिए ये कोई क्राइम नहीं है। जिसपे वो एल्डर अपने ग्रैंड सन को डिफेंड करते हुए कहता है कि अगर उसने किसी को हर्ट किया था तो उसे हील किया जा सकता था, उसे एल्डर्स के सामने पेश किया जाता ताकि उससे पूछताछ की जा सके, और तुम जैसे डिसिपल्स को इन सब मामलों को सुलझाने के लिए यहाँ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे सुफेंग एल्डर से ये कहता हुआ कि अभी मैंने न्याय किया ही कहाँ है, कहाँ वो उस मोटे की कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी उसकी इनर वॉइस एक्टिवेट हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी करंट सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, तुम्हें इस एल्डर से यहाँ पंगा नहीं लेना चाहिए, वो भी इन लोगों के कारण जिसने तुम्हारे अपने ही घर में 10 सालों तक तुम्हें बुली किया, और तुम उनके लिए इस सेक्ट के एल्डर से ही पंगा ले रहे हो। कि तभी वो एल्डर यहाँ कुछ ऐसा कह देता है जिससे सुफेंग का माथा और ठनक जाता है। वो यहाँ उसे वही जुआन सिटी के बारे में धमकी देता है क्योंकि जुआन सिटी इसके कर्ता धरता है। जिसपे सुफेंग कहता है कि जुआन सिटी है क्या ये जुआंग सिटी, और लगता है कि इस जुआंग सिटी से मेरी किस्मत में पंगा लिखा होना ही है, और अगर जुआंग सिटी तुम्हारे कर्ता धरता है तो फिर मैं देखो तुम्हारी इस मोटे के साथ क्या करता हूँ। आगे सुफेंग उस मोटे पे ऐसा अटैक करता है कि वो वहीं डिजेबल हो जाता है, जिसे देख करके सारे लोग तंग रह जाते हैं। अब यहाँ हम घनघोर सन्नाटे के बाद उस एल्डर के चीखने की आवाज सुनते हैं, जिसमें वो धमकी दे रहा होता है कि वो सुफेंग को आज ही मार डालेगा। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें उसी स्पाई को दिखाया जाता है जो इस पूरी घटना की खबर उस लुइन को दे रहा था। साथ ही यहाँ लुइन को एक लेटर भी आया होता है, इसमें कल रात हुए उस टॉन के बैटल के बारे में बताया गया था कि कैसे सुफेंग ने, जिसकी स्ट्रेंथ कल परसों तो 5th लेवल पे थी जो कि अब 8th लेवल पे पहुंच चुकी है, और उसने अकेले ही यहाँ अपने पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट किया जुआन सिटी के द्वारा भेजे गए बंदों से फाइट करके। और यहाँ वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जब उसने टेस्ट को पास किया था तब उसके स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट की लेवल 5th थी, तो अचानक से वो अपने 8th लेवल पे कैसे पहुंच गया है, जरूर अपने उस असाइनमेंट में इसने अपने स्ट्रेंथ को छुपाया होगा, क्योंकि 2 दिनों के भीतर ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा अपने 5th लेवल से 8th लेवल में प्रमोट हो जाए। लेकिन वो चाहे जितना भी गेन कर ले, उसने एल्डर लियो को ऐसा ऑफेंड किया है कि वो उन्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें कारावास को दिखाया जाता है जहाँ इन्होंने सुफेंग को जंजीरों में जकड़ रखा है, और वो जो एल्डर लियो होता है वहाँ आग बबूला हो रहा होता है, बस ये कहते हुए कि उसे किसी भी हाल में अपने ग्रैंड सन का बदला लेना है सुफेंग से। अब वहाँ वो एल्डर चीखते चिल्लाते ये कह रहे होते हैं कि मैं इसके आंखें नोच लूंगा, इसके कान काट डालूंगा, इवन इसके पैर हाथ भी काट दूंगा। कि तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर सूरी पहुंच जाती है सुफेंग को प्रोटेक्ट करने, ये कहते हुए कि आखिर कोई तो हुआ ना कि तुम्हारे ग्रैंड सन को उसने बुरे कर्मों की सजा दी। अब जहाँ इन दोनों में बहस छिड़ जाती है और हमें पता चलता है कि ये जो एल्डर सूरी है ये काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं, इनके जो फादर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसी के बेसिस पे वो यहाँ पे सुफेंग को आज बचाने आई हैं। और ये लोग सुजाको सिटी से ही बिलोंग करते हैं। सुजाको सिटी जो है वो जुआन सिटी का राइवल सिटी होता है, मीन्स के सुजाको सिटी यहाँ पे अच्छा सिटी है और वो जुआन सिटी यहाँ पे क्रिमिनल वन और सारी इवल हरकतें करने वाला है। अब यहाँ पे जो एल्डर लियो होते हैं वो अपने पीछे जुआन सिटी के बहुत बड़े सपोर्ट होने का वहाँ पे ऐलान करते हैं। अब यहाँ ये दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जो एल्डर सूरी होती हैं वो काफी हायर लेवल पे पहुंच चुकी होती हैं कल्टीवेशन के, फिर भी उन्होंने अपनी इस शक्तियों का आज तक इस्तेमाल नहीं किया है और वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए एज अ एल्डर है। अब ये देख के वो जो एल्डर लियो होता है वो काफी डर जाता है, एक तो यहाँ पे एल्डर सूरी की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा उससे हाई होती है, और दूसरी कि यहाँ पे जो जुआन सिटी का राइवल सिटी होता है सुजाको सिटी,
मतलब कि ये सुजाको सिटी से होती हैं, सो इनसे पंगा लेना वो बेहतर नहीं समझता। अब यहाँ वो सोफेंग को छुड़ा के अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ रास्ते में इनके बीच काफी ज्यादा बातें होती हैं कि तभी सोफेंग को उनका कोई पीछा कर रहा हो ऐसा मालूम पड़ता है, और यहाँ वाकई में एक मास्क मैन होता है जो सोफेंग का पीछा कर रहा होता है। यहाँ बातों ही बातों में मिया सोफेंग को उनके विंड अलायंस को जो अगला असाइनमेंट मिला है उसके बारे में बताती है। साथ ही वो उसे एक स्टोरेज बैग भी देती है जिसमें स्पेस किसी यूनिवर्स से भी ज्यादा होती है। यहाँ सोफेंग उसे थैंक यू कहता है और उसे ये पूछता है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो, जिसमें सोमिया उसे कहती है कि ऐसा वैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट्स इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम हमारी विंड अलायंस के लिए आगे फ्यूचर में बेहतर काम कर सको। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और वो लोग अपने अगले एडवेंचर टास्क के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें ये असाइनमेंट दिया जाता है कि तियानवु रियल में एक टॉम अपीयर हुआ है जो कि एक काफी पावरफुल बंदे का मकबरा था, जहाँ पे उस ग्रेवयार्ड से उन्हें स्पिरिचुअल बीट्स को कलेक्ट करना था। अब उस असाइनमेंट के लिए ये चार लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ वे लोग रास्ते में एक जगह रुक के आराम करते हैं कि तभी वो मार्क्समैन यहाँ अभी उन्हें फॉलो कर रहा होता है। लेकिन हम यहाँ सोफेंग को देखते हैं कि वो अपने मेंटल पावर के ज्यादा होने की वजह से वो उस आदमी के होने के एहसास को बार बार समझ जाता है। अब हमें यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तियानवु रियल पहुँच चुके थे और वो पूरी जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जहाँ उन्हें उस स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के मकबरे को ढूंढना था जहाँ सब कुछ खंडर बन चुका होता है, जिसपे सोफेंग यहाँ पूछता है कि आखिर वो ग्रेवयार्ड यहाँ कैसे हो सकता है, जिसपे सोमिया उसे बताती है कि ये जगह खंडर होने से पहले एक महान स्प्रिट मास्टर ने यहाँ के हर एक पत्थर को एक खास किस्म के मंत्र से इंचेंट किया था, अगर तुम 10 बार भी जन्म लेते तो भी इन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, और इनका डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा था जिसे सभी लोग बैरियर कहते थे। आगे वो लोग अपनी इसी तरह की बातें कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ पे हमें व्हाइट ड्रैगन बताता है कि सभी लोगों का कहना था कि इस पूरे ज़ुकू कॉन्टिनेंट में इस तरह के वर्ल्ड स्पिरिचुअलिस्ट का होना काफी एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मेजर मैजिकल सेक्ट हुआ करते थे जो कि अपने लेवल को हाई करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट किया करते थे। और यहीं पे एक महान स्पिरिचुअलिस्ट भी था जिसे हमारी सिंगलोंग सेक्ट के जो लोग है वो सपोर्ट किया करते थे। एक बार की बात है कि हमारे सिलोंग सेट के ही एक डिसिपल ने 2 सालों तक उसे स्पिरिचुअलिस्ट से लगातार मिन्नती करती रही कि वो उसे सिखाए, लेकिन वो जो स्पिरिट था उस डिसिपल को उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसकी जो मेंटल पावर थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। अब यहाँ पे मेंटल पावर सुनते ही सोफेंग को ये समझ में नहीं आता कि ये आखिर होता क्या है, जिसपे सोमिया उसे बताती है कि मेंटल पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कल्टीवेट करके गेन कर सके, क्योंकि ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो जन्म से ही उसके अंदर होती है, चाहे वो कितने भी कल्टीवेशन करके कितने भी लेवल को ब्रेक थ्रू कर ले, मेंटल पावर को कोई गेन नहीं कर सकता चाहे उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी भी हाई हो। जिसपे अब वो व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन सोफेंग से कहते हैं, लेकिन तुम काफी लकी हो कि तुम्हारी मेंटल पावर काफी ज्यादा अच्छी है और इसी मेंटल पावर के होने से ही तुम्हें आने वाले खतरे का पहले से ही आभास हो जाता है, और यही कारण है कि एल्डर सूरी ने अपनी सिस्टर यानी सोमिया से ये कहा है कि वो किसी भी हाल में सोफेंग को अपने विल्ड अलायंस में ज्वाइन करवा ले, क्योंकि जिनकी मेंटल पावर हाई होती है वो अनपैरेलल वर्ल्ड में भी आसानी से देख सकता है। अब ये लोग बातें करते करते उस बड़े से मकबरे के पास पहुंच जाते हैं, जहां उसके बाहर उन्हें एक अधमरी हालत में एक बंदा दिखता है। अब जैसे ही सोफेंग उसके पास जाता है और उसके फोरहेड में बने वो निशान को चेक करता है, वो बंदा यहां उसका हाथ पकड़ लेता है ये कहते हुए कि इसे टच करने की कोशिश मत करना, और यहां उस बंदे के छूते ही हम देखते हैं कि सोफेंग की जो स्पिरिचुअल वेन्स होती हैं वो नजर आने लगती हैं, मानो यहां वो बंदा सोफेंग को पजेस कर रहा होता है। और इतना ही नहीं, हमें उस नकाब पोश बंदे को भी दिखाया जाता है जो उस पूरी घटना को दूर से देख रहा होता है। अब इससे पहले के एपिसोड यहाँ आगे बढ़े और इस सस्पेंस को खत्म करे, ये एपिसोड यहीं पर हमारा फिनिश होता है। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है, आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये चारों उस वीरान इलाके में पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे एक टूटी फूटी बिल्डिंग बनी होती है, और उसके सामने ही उन्हें एक भिखारी मिलता है जो कि यहाँ सोफेंग को देखते ही जैसे उसे टच करता है, मींस कि वो सोफेंग की आंखों में देख रहा होता है और उसे पोजेस करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ सोमी के जोर से चिल्लाने से सोफेंग उस पोजेशन से बाहर आता है। तभी हम अचानक से उस भिखारी को देखते हैं जो कि सोफेंग से डर रहा होता है ये कहते हुए कि मेरे नजदीक मत आना और यहाँ से चले जाओ।
क्योंकि तुमने जो मुझसे करने को कहा था मैंने वो तो सारी चीजें कर डाली, तो अभी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और तुम्हारा जो बेटा है वो काफी अच्छा है। अब इस तरह की वो पागलों वाली हरकत कर रहा होता है और बार बार बस एक ही चीज रिपीट कर रहा होता है कि मुझे मत मारो। ऐसा कहते ही वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं कि वो भिखारी पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब अभी भी इनके साथ ये क्या हुआ था ये लोग समझ नहीं पाते। इस चीज को ये लोग इग्नोर करते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ के दरवाजे काफी पतले होते हैं और अंदर एक भूल भुलैया के जैसा स्ट्रक्चर था। साथ ही यहाँ वो मार्क्समैन भी अंदर चला जाता है जो शुरू से ही सूफिंग का पीछा कर रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं क्योंकि सूफिंग ने वो 9 कलर का डिवाइन थंडर को अक्वायर कर लिया था और उसी के समय से ही उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी। वो क्रिएचर की आवाज फिर से उसे आती है जो कि उस भूल भुलैया में उसे रास्ता बता रही होती है कि उसे किस तरफ मुड़ना है। यहाँ वो उस क्रिएचर के कहे मुताबिक लेफ्ट और राइट मुड़ रहा होता है और बाकी के जो सारे उसके टीममेट्स होते हैं वो उस भिखारी के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम उस भिखारी को जानते थे और वो तुम्हारी किस बेटी की बात कर रहा था? लेकिन यहाँ सूफिंग उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो सिर्फ रास्ता ढूंढने में यहाँ बिजी था। अब यहाँ उस क्रिएचर के बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सूफिंग और बाकी सभी उस बिल्डिंग के मेन सेंटर में पहुँचते हैं जहाँ वे लोग देखते हैं कि पहले ही कोई अंदर इसके आ चुका है क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा खुला था, इसलिए वो काफी सावधानी के साथ अब अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ अंदर के नजारे को देख कर के वे हैरान रह जाते हैं। वहाँ चारों तरफ अनगिनत लाशें पड़ी होती हैं और ये सारी लाशें स्टूडेंट्स की थी। आगे वे लोग उस जगह की इंस्पेक्शन करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि इनकी मृत्यु अभी अभी हुई है और इन्हें यहाँ कोई लालच दे करके टेम करके यहाँ पे लाया है और इनका सामना लगता है किसी मॉन्स्टर से हुआ है। तभी यहाँ सूफिंग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो क्रिएचर होता है वो उसे बताता है कि इन सब को छोड़ो, तुम्हें उस मकबरे पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसके पीछे ये लोग पड़े थे। अब यहाँ जैसे ही सूफिंग का ध्यान उस मकबरे के ऊपर जाता है यहाँ उसके बाकी के क्लासमेट चारों तरफ देखते हैं और उसे पता चलता है कि यहाँ पे अभी कोई जिंदा बाकी नहीं है। और यहाँ उसके ये कहने की देरी होती है कि तभी उसे एक हिलता हुआ हाथ नजर आता है और अचानक से वहाँ पे एक लाश उठ खड़ी होती है। अब यहाँ इसके साथ दो और बंदे उठ खड़े होते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सिंगलोंग सेक्ट के ही कोर डिसिपल्स हैं। अब ये कोर डिसिपल्स वही होते हैं जिन्हें सेक्ट द्वारा काफी प्रिविलेज दिया जाता है। ये लोग चाहे तो किसी के भी असाइनमेंट को आसानी से चोरी कर सकते हैं और उनके द्वारा हासिल गए ट्रेजर्स को हथिया सकते हैं। अब यहाँ पे उस बंदे समय पता चलता है कि कोई ओल्ड मैन अभी यहाँ पे आया था और उसी ने यहाँ पे इतना कोहराम मचाया था, इसलिए इन्होंने मरने की एक्टिंग की और जैसे ही वो ओल्ड मैन वहाँ से चला गया इन लोगों ने सोचा कि ये सारे जो स्पिरिचुअल बीट्स हैं वो उनके होंगे। लेकिन तभी तुम चारों नल्ले यहाँ पे आ गए। अब इस कोर डिसिपल का नाम लियो होता है जिसे उसके चमचे कहते हैं कि ये जो लड़की है वो हमारे सेक्ट के एल्डर सूरी की बहन है, तो तुम्हें एल्डर की बहन से पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसपे वो लियो यहाँ इसी बात का तो इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो जियानवू सिटी से था और यहाँ जो सूरी और सुमी होती हैं वो सुजाकू सिटी के सपोर्टर्स होते हैं, इसीलिए वो जो जियानवू सिटी का लियो होता है वो हमेशा से सुजाकू सिटी से बदला लेना चाहता था। और ऐसा मौका उसे और कहाँ मिल सकता था कि एक बार वो उस सुजाकू सिटी के सपोर्टर्स को इस तरह से मार करके अपने बदले को पूरा कर ले। अब जैसे हाँ वो जो लियो होता है वो अपने कोर डिसिपल होने का फायदा उठाता है और वो यहाँ पे सोमी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि वो इन सभी को यही मार डालेगा और इसका पता बाद में किसी को नहीं चलेगा। और यहाँ वो एक लड़की को हैरस करके अपना रिवेंज लेना चाहता था। ये सुनते ही जो सूफिंग होता है उसके जोरदार पिटाई करता है ये कहते हुए कि कोई भी सुमी के बारे में इस तरह की गंदी सोच रख सकता है उसे मैं ऐसे ही जवाब दूंगा। अब यहाँ सूफिंग जो होता है वो उसकी ऐसी पिटाई करता है कि उस छिछोरे के तो दांते ही बाहर आ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इस बात से बखलाया लियो यहाँ उन पे हमला कर देता है और यहाँ पे हम एक जबरदस्ती फाइट सीन को देखते हैं जहाँ पे सूफिंग चंद सेकंड के अंदर ही उन सभी के अटैक्स का ऐसा जवाब देता है कि वे लोग इसके अटैक्स को आसानी से डॉज नहीं कर पाते। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में उसी मकबरे को देखते हैं जहाँ पे वही ओल्ड मैन आया हुआ था और वो उसके ऊपर के एक खास तरह के एयर कंट्रोलर को हासिल करने आया था कि तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं कि वो मार्क्समैन उस टॉम के अंदर आ जाता है। अब इसके साथ ही ये सीन यही कट होता है और हमें वापस से वही फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूफिंग और उन छिछोरों के बीच अब भी मार्शल फाइट जारी थी और ये लगातार पीट रहे होते हैं सूफिंग से, लेकिन फिर भी इनका ठरकी पर नहीं जाता। ये लोग सुमिया को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी हम देखते हैं कि सूफिंग की जो 9 कलर की डिवाइन थंडर पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो ये कहते हुए कि सुमिया से दूर रहो वो एक जोरदार अटैक उस पे करता है।
जिसे वो दूर जा गिरता है। और अब एज अ पनिशमेंट यहाँ जो सूफिंग होता है वो उनको मारता नहीं, बल्कि इन जैसे कमीनों का यही हाल होना चाहिए कि इनकी कल्टीवेशन को ही छीन लिया जाए। और यहाँ सूफिंग अपने थ्री थंडर स्टाइल का यूज करते हुए उनकी सारी की सारी कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मीन्स कि अब वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक कॉमन पर्सन ही बन चुके हैं, क्योंकि वो एक तरह से यहाँ डिजेबल हो चुके हैं। अब हम सूफिंग को देखते हैं जो उनसे वहाँ से दफा होने के लिए कहता है, और आगे वो अपने यूनिवर्स स्टोरेज बैग में उन सभी रेयर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बीड्स को कलेक्ट कर रहा होता है। अब ये लोग जल्दी जल्दी से वहाँ जितने भी स्पिरिचुअल बीड्स थी उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं। इसी दौरान जो व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन होते हैं उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि वो जो कोर डिसिपल लियो था वो सिंग लॉन्ग सेट के सबसे बड़े जीनियस स्टूडेंट जिसका नाम लुयुन है उसके ग्रुप के मेंबर है। और अगर लियोन के इसके बारे में पता चल गया कि उसके कोर डिसिपल की हमने ये दुर्गति कर दी है तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके कोर डिसिपल के अब तक की पूरी कल्टीवेशन लेवल को डिस्ट्रॉय करना ये बहुत बड़ा मैटर है। तो हो सकता है कि आगे एकेडमी में वो जरूर हमें टारगेट करे। इस पे सूफिंग इनके बातों को सुन के कहता है कि चाहे कोर डिसिपल रहे या जीनियस डिसिपल रहे, कोई भी अगर सूमिया का एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा तो उसका यही हशर होगा। और अगर यहाँ पे सिंगलोंग सेट का वो जीनियस स्टूडेंट लुइन भी यहाँ होता तो उसे भी मैं इसी तरह से पीटता। और ये सुन के तो सूमिया मन ही मन मुस्कुरा रही होती है कि यहाँ सूफिंग उसके लिए कितनी केयर कर रहा है, कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं। अब ये लोग उन सारे बीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। हर इनका टारगेट 10,000 बीड्स को कलेक्ट करने का होता है, लेकिन यहाँ ये उससे ज्यादा ही कलेक्ट कर लेते हैं। आगे जब ये बुलबुलैया से बाहर निकलते हैं तो उसी समय हम देखते हैं कि जो सूफिंग होता है वो अपने क्लासमेट्स को जाने देता है, और उनके पीछे जाते ही वो धीरे से वो दरवाजा बंद कर देता है, जिसपे सूमिया उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे कहती है कि अगर तुम पागल हो गए हो तुम्हें अभी के अभी बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमने एकेडमी द्वारा टास्क तो पूरा कर ही लिया है। जिसपे सूफिंग उनसे कहता है कि तुम लोग किसी सेफ जगह पे जाके मेरा वेट करो। अब आगे हम देखते हैं कि सूफिंग अपने अंदर के वो जो क्रिएचर है उसके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस बिल्डिंग के कॉरिडोर के बीचों बीच चला जाता है जहाँ पे वो खास मकबरा होता है। यहाँ पे सूफिंग को वो क्रिएचर ये भी वार्निंग देता है कि इतने सारे बंदे यहाँ पे मारे गए हैं, मतलब कि वो ओल्ड मैन जरूर जियानवु रिल्म के लेवल का होगा, और अगर तुम इसके अंदर गए तो क्या तुम इस लेवल के कल्टीवेटर का सामना कर पाओगे। इस पे सूफिंग उसे कहता है कि मैं ये जरूर अंदर जाके देखना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कौन बंदा है जो इतने सारे रेयर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बीड्स को छोड़ करके अंदर कौन सा ट्रेजर है जिसे वो लेने गया है, क्योंकि जरूर वहाँ पे इन स्पिरिचुअल बीड्स से भी ज्यादा कुछ ऐसी चीज होगी जिसे वो पाना चाहता है। तभी हमें यहाँ उस मकबरे के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक अलग ही तरह की फाइट चालू थी, और ये उसी मार्क्स मैन और उस ओल्ड मैन के बीच में फाइट हो रही थी। और इंडीड यहाँ पे ये फाइट उसी एयर कंट्रोलर को पाने के लिए हो रही थी। टेक्निक होता है जिसके बारे में वो क्रिएचर बताता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके कल्टीवेशन लेवल त्यानवु रिल्म से हाई होती है, वही इस एयर कंट्रोलर वाली टेक्निक को एक्वायर कर सकते हैं। अब जिसके पास भी वो एयर कंट्रोलर होगा उसे हवा में तैरने की एबिलिटी मिलेगी। अब ये एयर कंट्रोलर अपना मास्टर खुद चूज करती है, जिसके कारण उस मास्टर को आर्ट ऑफ एयर कंट्रोलिंग आ जाएगी। इस टेक्निक के आते ही तुम हवा पे ना केवल उड़ सकते हो लेकिन हवा पे तुम चल भी सकते हो। साथ ही अगर तुम्हारा सामना एक जियानवु रिल्म के मास्टर से हो जाता है तो भी तुम उससे आसानी से फाइट कर सकते हो। अब यहाँ जब क्रिएचर ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एयर कंट्रोल के बारे में सूफिंग को दे रहा होता है, इसी बीच हमें उन दोनों धुरंधरों की फाइट दिखाई जाती है जहाँ वो ओल्ड मैन उस मार्क्समैन से ये पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो मार्क्समैन है कि वो क्यानफु सेक्ट का मास्टर होता है, और ये वही मास्टर होता है जिसने बाकी के सारे मास्टर्स को मारा था, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग इनफ होता है जिसके बारे में पिछले एपिसोड में हमें व्हाइट टाइगर और ड्रैगन ने बताया था। और ये क्यानफु सेक्ट के मास्टर वही होता है जिसके पास उस सिलोंग सेक्ट के डिसिपल्स गए होते हैं अपना मास्टर चूज करने के लिए, और ये उनको सिखाने से मना कर देता है। मींस के ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि त्यानवु रिल्म का ही स्पिरिट होता है। लेकिन तभी यहाँ जो सूफिंग के अंदर वो क्रिएचर होता है वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे डब्बे की तरह यहाँ पे खड़े होके इस फाइट को एंजॉय क्या कर रहे हो, ये दोनों ही धुरंधर हैं और ये दोनों ही अपनी अपनी अटैक से पीछे नहीं हटेंगे, सो अभी सही मौका है तुम उस एयर कंट्रोलर को जल्द से ग्रैब कर लो। अब यहाँ सूफिंग उस क्रिएचर की बात को मानते हुए उस मकबरे के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे से काफी सीनियर लगते हो, लेकिन मुझे यहाँ माफ करना अगर तुम दोनों से पहले मैं इस एयर कंट्रोलर टेक्निक को हासिल कर लूँ तो।
क्योंकि ये जो एयर कंट्रोलर टेक्निक है, इसे पा लेने के बाद जो मैं चीजें कर पाऊंगा एयर को कंट्रोल करके, वो मुझे काफी ज्यादा इस चीज को लेने के लिए इनकरेज कर रही हैं। ये सुनते ही वो मार्क्समैन हंसने लगता है और उस बूढ़े से कहता है कि तुम इस यंग कल्टिवेटर को कम मत मानो। हालांकि इसके जो स्पिरिचुअल मार्शल रिल्म के कल्टिवेशन काफी लो है, लेकिन इसके स्पिरिचुअल मेंटल पावर तुमसे कहीं ज्यादा है, जो कि तुम्हारे ज्ञान वो रिल्म के लेवल का होने के बावजूद तुम उसे पॉसेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही इस लड़के ने ये डिटरमाइन कर लिया कि ये इस एयर कंट्रोलर को पार करके रहेगा, तो तुम चाहे अपने कल्टीवेशन के किसी भी लेवल पे रहो, तुम उसे स्टॉप नहीं कर पाओगे। आगे हम देखते हैं सोफिंग को। वो एयर कंट्रोलर लेती ही वो वहीं पे कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जिससे वो आसपास की एयर को एब्जॉर्ब करते ही हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल वहीं टूट जाता है और सारी की सारी क्रिस्टल अब उसके माइंड में अब्सॉर्ब हो चुकी थी, जिसके कारण अब हम सूफिंग को देखते हैं कि वो हवा में तैरने लगता है, जिसपे यहाँ सूफिंग तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तो मार्क्समैन इसका रीजन बताता है, इसकी स्पिरिचुअल मार्शल पावर काफी लो है, जो कि इस एयर कंट्रोलर के पावर के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाई। क्योंकि अगर किसी की कल्टीवेशन लेवल हाई नहीं होती, तो ये जो एयर कंट्रोल टेक्निक है उसकी मेंटल पावर को बैकफायर करता है और फिर उसकी बॉडी में इमर्ज करता है और उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उस कल्टीवेटर के बॉडी ने उस एयर कंट्रोलर टेक्निक को एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी कि अगर उस एयर कंट्रोलर ने उसे अपना मास्टर नहीं चूज किया, तो फिर उस बंदी की वही मौत हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ पे उसके मरने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जो सूफिंग की बॉडी होती है वो ग्लो करने लगती है। इसका मतलब है कि अब उस एयर कंट्रोलर टेक्निक ने उसकी बॉडी के साथ इमर्ज करना शुरू कर दिया है। इसके कारण अब हम देखते हैं कि सूफिंग अब अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, जहां वो एक ऐसे रिल में पहुंच जाता है कि वहां उसे वही ड्रैगन मिलता है और ये वही 9 कलर का डिवाइन थंडर होता है, जिसकी ड्रैगन स्प्रिट होती है और ये अब तक सूफिंग के अंदर ही था। इसके कारण ही सूफिंग को इतनी ज्यादा कल्टीवेशन की पावर मिली है और अब आगे सूफिंग की आंखें खुलती है, जहां वो अपने सामने उसी क्रिएचर की आवाज को सुनता है। यहां सूफिंग उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा पिलर दिखता है और उसे लगता है कि वो हेवन में आ चुका है और मर चुका है। तभी उस क्रिएचर की आवाज उसे कहती है कि वो बहुत खुश है कि इतने दिनों के बाद वो उससे मिलने आया है, क्योंकि यहाँ पे वो अकेले रहते रहते काफी बोर हो चुका था और वो अब उससे मिलकर के काफी खुश है। लेकिन जब यहाँ सूफिंग अपने पीछे देखता है, तो वो अपने सामने एक बहुत बड़े अंडे को देखता है। अब उस क्रिएचर की आवाज और कहीं से नहीं बल्कि उस अंडे में से ही आ रही होती है। ये देख के यहाँ सूफिंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि वो अब तक एक अंडे से बात कर रहा था। इस पे वो जो क्रिएचर होता है वो यहाँ पे सूफिंग को डांटते हुए कहता है कि तुम काफी स्टूपिड हो और मुझे बार बार अंडा कहना बंद करो। जिसमें यहाँ सूफिंग ये सोच के पागल हो रहा होता है कि वो एक अंडा है, कि तभी वो क्रिएचर उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा उसका वेट कर रहा होता है कि वो कब यहाँ पे आए और उसके साथ खेले। लेकिन यहाँ जब सूफिंग के मुंह से वो बार बार अंडा शब्द सुनता है, तो उस पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सूफिंग यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आता है और उसकी आंखें खुलती है रियल वर्ल्ड में। अब उसे यहाँ जिंदा देख वो ओल्ड मैन तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि आखिर उस एयर कंट्रोलर टेक्निक ने इसे कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया। आगे वो ओल्ड मैन यहाँ सूफिंग को चीख करके पूछ रहा होता है कि वो एयर कंट्रोलर कहाँ है, मुझे उसे दे दो। जिसपे सूफिंग उसे कहता है कि ये एयर कंट्रोलर के सारी टेक्निक अब मेरे माइंड में है। अब ये देखते ही वो जो मार्क्समैन होता है वो उस बूढ़े पे बैकफायर करता है और यहाँ वो उन दोनों से कहता है कि जबकि एयर कंट्रोलर टेक्निक ने तुम्हें अपना मास्टर चूज कर लिया है, तो फिर मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ वो समझ चुका था कि बिना उस एयर कंट्रोलर के ये बुढ़ा उसके सामने कुछ भी नहीं है और उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ वो मार्क्समैन एक पोर्टल ओपन करता है और सूफिंग को ब्लेसिंग्स देते हुए कि वो आगे बहुत दूर तक जाएगा और उसके कारनामे ऐसे होंगे कि सारे लोग सरप्राइज रह जाएंगे, वो उस पोर्टल के थ्रू वहाँ से चला जाता है। कि अब तभी हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है अब काफी ज्यादा बौखला जाता है और अब वो सूफिंग को जान से मारना चाहता था। अब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते ही जैसे ही सूफिंग पे अटैक करने जाता है, सूफिंग के अंदर का जो क्रिएचर होता है वो उससे कह रहा होता है कि ये बुढ़ा तो ज़ियानवुर रियल्म का कल्टीवेटर लग रहा है, तो इससे तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर पाओगे, इससे बेहतर यही है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जैसे वो ओल्ड मैन यहाँ सूफिंग पे अटैक करने वाला होता है, एक तेज से चमकती हुई बिजली उस टॉम के अंदर आ जाती है, तो उस ओल्ड मैन को उसके गले से दबोच लेती है और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही भिखारी होता है। लेकिन अब हमें यहाँ सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट पता चलता है कि ये भिखारी और कोई नहीं
बल्कि तियानवू रियल्म को ही बनाने वाला हिमिली तियानवू है। अब यहाँ हम उस भिखारी को देखते हैं कि जो कि उस ओल्ड मैन को ऐसा जकड़ता है ये कहते हुए कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पे अटैक करने की। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो ओल्ड मैन तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और आगे हम सूफेंग को देखते हैं जिसके अंदर का क्रिएचर उससे कह रहा होता है कि खड़े खड़े तुम यहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हें मरना है क्या, भागो यहाँ से। अब यहाँ सूफेंग तेजी से भाग रहा होता है और वो फायर वेव सब तेजी से सूफेंग की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ सूफेंग पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि अभी अभी यहाँ उसके साथ क्या हुआ है और उसने उसे एयर कंट्रोलर को कैसे अक्वायर कर लिया, दादी ये कौन सी जगह है और मेरे माइंड के अंदर एक अंडा क्या कर रहा है। अब ये सारे सवाल वो बौखलाहट में अपने आप से ही कर रहा होता है कि तभी वो क्रिएचर उससे कहता है क्योंकि यही सब जानने का भी सही वक्त नहीं है और तुम इतनी सारी नॉनसेंस क्यों कर रहे हो, तुम बस अभी यही सोचो कि कैसे तुम्हें तेजी से यहाँ से भागना है और हाँ पीछे मुड़ के मत देखना। तभी वो पीछे मुड़ के देख लेता है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फायर वेव उसे हिट करती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में सूमिया को देखते हैं जो अब भी सूफेंग का इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक से वो उसके आसपास की बिल्डिंग भी खिसकने लगती है और वो जल्द ही पूरी की पूरी बिल्डिंग क्लैश करने वाली होती है। तभी ये लोग उससे बचते हुए तेजी से भाग रहे होते हैं लेकिन यहाँ जो सूमिया होती है वो अभी सूफेंग का इंतजार करना चाहती थी कि तभी वो जो दोनों बंदे होते हैं व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन सूमिया को वहाँ से जबरदस्ती ले जाते हैं। जैसे तैसे करके वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं और उनके बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसे देख के सूमिया काफी ज्यादा डर जाती है और उन्हें यहाँ लगता है कि अब सूफेंग नहीं रहा। इस बात से सूमिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है कि तभी यहाँ कुछ हलचल सुनाई देती है और ये लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ उन्हें सूफेंग खड़ा हुआ दिखता है। जैसे ही सूमिया की नजर उठ पे पड़ती है वो झट से उसे गले लगा लेती है और उसे जोर जोर से पीटते हुए कह रही होती है कि तुमने तो अभी हमें डरा ही दिया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, क्या तुम ठीक हो। कि उसी टाइम हम उस मार्क्समैन को भी देखते हैं जो कि इनके इस खिटपिट को देख रहा होता है। यहाँ पे वो पहली बार अपना मार्क्स निकालता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये एपिसोड यही फिनिश हो जाता है सूफेंग और सूमिया की उस प्यारी सी नोकझोंक के दौरान ही। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो सूफेंग होता है उसने उस मकबरे से ढेर सारे स्पिरिचुअल बीट्स को कलेक्ट किया था जो कि असाइनमेंट दिया गया था एकेडमी के द्वारा। और यहाँ एपिसोड शुरू होता है और हमें उसी स्पिरिचुअल बीट्स को दिखाया जाता है जिसका यूज करते हुए यहाँ पे सूफेंग ज्यान्यू रियल में ब्रेक थ्रू करना चाहता था। लेकिन यहाँ इस बात से वो डिसअपॉइंट था कि सिर्फ ज्यान्यू लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे 2000 स्पिरिट बीट्स लग गए और अगर इसी तरह से चलता रहा तो इन दोनों को उसके लिए पालना तो काफी मुश्किल होगा। मीन्स की वो बड़ा सा अंडा होता है वो और उसके साथ वो 9 कलर का जो डिवाइन ड्रैगन होता है इन दोनों को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए यहाँ बहुत ही मात्रा में उसे स्पिरिचुअल बीड्स की जरूरत होती है। यहाँ अंडा शब्द सुनते ही उसके अंदर का जो क्रिएचर होता है वो उससे चिल्लाते हुए कहता है तुम मात्र ऐसे बंदे हो जिसने 2 घंटे में ज्यान्यू लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया तब पर भी तुम ऐसे संतुष्ट नहीं हो और यहाँ तुम्हारी डिमांड्स तो हाई होती जा रही है, तुम्हें सबसे पहले अपने छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करना होगा। जिस पे सूफेंग उस क्रिएचर से कहता है कि अभी तो हम सिर्फ ज्यान्यू रियल्म के एकदम नीचे लेवल पे पहुंचे हैं और अभी हमारा टारगेट जो कि गॉड लेवल है वो काफी दूर है। आगे वो क्रिएचर उसे बताता है कि जैसे यहाँ सूफेंग की शक्तियाँ बढ़ेंगी वो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और वो जल्द ही उस अंडे से ब्रेक थ्रू करने वाला है और वो बाहर निकल के उसका जोड़ा बनेगा। जिसपे यहाँ सूफेंग किसी और ही जोड़े के बारे में सोच रहा होता है कि तभी यहाँ सुबह हो जाती है जहाँ पे हमें शिलोंग अकेडमी को दिखाया जाता है और आज उन सभी डिसिपल्स का टैलेंट टेस्ट होने वाला था। लेकिन यहाँ इस टेस्ट से सूफेंग का कुछ लेना देना नहीं होता है क्योंकि जब उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उसे जीतने के कारण ही उसे तुरंत ही ऑफिशियली कोर डिसिपल बना दिया गया था। लेकिन अब भी वो इस टैलेंट टेस्ट के खत्म होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे कोशांग टाउन जाना था। जिसपे वो क्रिएचर उससे पूछती है कि आखिर तुम क्यों कोशांग टाउन जाना चाहते हो तो यहाँ पे सूफेंग बहुत ही मिस्टीरियस वे में जवाब देता है ये कुछ तो है जो उसकी लाइफ से रिलेटेड है और उसके जवाब उसे ढूंढने हैं। अब आगे सारे डिसिपल्स का टैलेंट टेस्ट शुरू होता है जहां उनकी पोटेंशियल को जानने के लिए एक बड़े से स्टोन पे उन्हें अपना हाथ रखना है। जैसे ही वो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो उन्हें एकेडमी के इनर डिसिपल्स घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ सारे डिसिपल्स को ये टैलेंट टेस्ट देना होता है जिसकी स्ट्रेंथ यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी उसे तुरंत ही कोर डिसिपल के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। अब एक एक करके सारे डिसिपल्स यहाँ अपनी पोटेंशियल चेक करते हैं, कईयों को बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो स्टोन के एकदम सबसे नीचे वाले लेवल को ही ब्राइट कर पाते हैं। आगे बहुत सारे मिडिल स्टेज को भी लाइट अप करते हैं जिनमें व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन भी होते हैं। यहाँ सूमिया बताती है कि अब तक इस एकेडमी में ये जो स्टोन टैबलेट एस्टैब्लिश किया गया है और इसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे डिसिपल हुए हैं जिन्होंने
जिन्होंने रेड पार्ट वाले लेवल को एक्टिवेट किया था, जिनमें से एक तो इसी एकेडमी का करंट चीफ कोर डिसिपल है जिसका नाम लुयुन है। अब आगे सुमी की बारी आती है जिसकी पोटेंशियल मिडिल अपर लेवल की होती है। टीचर उसे भी पास करते हैं ये कहते हुए कि तुमने अपनी बहन की यहाँ लाज रख ली, क्योंकि उसकी बहन वहीं की एक एल्डर होती है। बाकी यहाँ उनका क्लास डिसमिस होने वाला होता है कि तभी सूफिंग सामने आ जाता है और वो ये टेस्ट देना चाहता था। यहाँ टीचर उसे मना करते हैं क्योंकि उसे पहले ही ऑफिशियली कोर डिसिपल बना दिया गया था। इस पे सूफिंग उनसे इंसिस्ट करता है कि ऐसा तो एकेडमी का कोई रूल नहीं है जिसमें एक कोर डिसिपल इस टैलेंट टेस्ट में अपने पोटेंशियल को ना जान सके। अब आगे जैसे ही सूफिंग उस स्टोन को टच करता है, हमें लगता है कि वहाँ कुछ बहुत बड़ा होगा, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। वहाँ पे उस स्टोन का एक लेवल भी राइज अप नहीं होता, जिससे सभी उस पे हंसने लगते हैं, इवन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आगे टीचर ये कहते हुए उस क्लास को डिसमिस करते हैं कि अब सभी स्टूडेंट्स को कंपटीशन ग्राउंड में गैदर होना होगा। लेकिन हम उसी समय देखते हैं कि उस स्टोन के सबसे टिप वाला जो पार्ट होता है वो लाइट अप हो जाता है। उनके इसी टैलेंट टेस्ट को दूर से ही इसी शिलोंग सेक्ट के ही एल्डर्स देख रहे होते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि ये जो सूफिंग है उसने तो लेजेंडरी पार्ट को एक्टिवेट कर दिया है और ये तो उस सुपीरियर टैलेंट से भी अपर लेवल का है। और जब से ये एकेडमी बनी है, इस स्टोन के सिर्फ रेड वाले पार्ट को ही एक्टिवेट करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जो कि यहाँ के एल्डर्स भी अपने हाई कल्टीवेशन लेवल होने के बावजूद भी इसे अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इसका यही मतलब है कि ये जो सूफिंग है वो तो एक पीयरलेस जीनियस है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हम सारे डिसिपल्स को उसी कंपटीशन ग्राउंड में गैदर हुआ देखते हैं। यहाँ वो इसी बात की खुसर फुसर कर रहे होते हैं कि ये सूफिंग तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसा काम किया इसने, क्योंकि उस पोटेंशियल स्टोन में इसका कोई पोटेंशियल ही नजर नहीं आया। अब ये सब सुनते ही सोमिया जो होती है सूफिंग को कंसोल करते हुए कहती है कि जरूर उस स्टोन में ही कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी, या तो फिर ये हो सकता है कि तुम एक जीनियस हो जिसकी पावर्स को लेवल करने के लिए वो स्टोन तुम्हारी शक्तियों को ही मेजर ना कर पाया हो। तभी हम वहाँ देखते हैं कि उस शिलोंग एकेडमी का चीफ कोर डिसिपल यानी जो लुयन होता है वो अपीयर होता है। उसे आते ही सारे लोग उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन ये चारों उसके सामने नहीं झुकते, जिसमें लुयन उनके सामने आके उन्हें घूरते हुए देखता है। और यहाँ वो सुमी का जो बैच होता है विंड अलायंस वाला, उसे वो छीनते हुए तोड़ देता है, ये कहते हुए इस एकेडमी में अपने अपने अलायंस बनाने यानी कि एक एक ग्रुप में बढ़ जाना ये फॉरबिडन है, और अगर ऐसा कोई से नहीं किया तो एज अ कोर डिसिपल होने के नाते मैं उसे सजा दे सकता हूँ। ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि अगर इस शिलोंग एकेडमी में रहना चाहते हो तो तुम्हें कोर डिसिपल्स की आज्ञा को मानना होगा। इस पे सूफिंग उसे कहता है कि भले ही तुम इस एकेडमी के चीफ कोर डिसिपल होगे और इसी ओहदे के कारण तुम अपना ऑर्डर हमसे मनवाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या खोट छुपी है ये कौन जानता है। अब ये सुनते ही जो लुइन होता है वो सूफिंग पे अटैक करता है कि एकेडमी के शुरू दिन से ही ये जो लुइन होता है उसे काइंड ऑफ सूफिंग से जलन हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि यही उसकी जगह ले लेगा और इस बात का भी वो उस पे बदला लेना चाहता था कि उस मकबरे के अंदर सूफिंग ने इसके चमचे को काफी अच्छा सबक सिखाया था। इसमें सूमिया उसे हाथ जोड़ते हुए कहती है कि हम किसी भी तरह के अलायंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसलिए तुम इसे जाने दो। इस पे यहाँ लुयन जो होता है वो सूफिंग को बुली करने की कोशिश करता है और उसे काफी ज्यादा हर्ट करता है। हम सूफिंग को देखते हैं कि उसके अंदर का जो क्रिएचर होता है वो उसे बार बार कह रही होती है कि तुम इसके ओपोनेंट नहीं हो, तो यहाँ पे अभी फाइट शुरू मत करना क्योंकि तुम्हारी जो पावर है अभी काफी वीक है। इस पे सूफिंग उसे ये कहते हुए कि इस बंदे का घमंड तो मैं जरूर चूर करके रहूंगा। आगे वो उसके सामने भिड़ जाता है और यहाँ पे हम इनकी एक जबरदस्त फाइट को देखते हैं, जहाँ पे हम सूफिंग के अंदर के उस दूसरे क्रिएचर को एक्टिवेट होता देखते हैं, जिसे वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है और वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। आगे यहाँ लुयन उसे जान से मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, हम देखते हैं वहाँ पे एकेडमी के मेट्रोपॉलिटन एल्डर आ जाते हैं जो उस लुयन का हाथ पकड़ लेते हैं। अब यहाँ जो लुयन होता है वो एल्डर के सामने सूफिंग ने अब तक क्या 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 होता है ऐसे को उसके चमचे को बहुत ज्यादा मारना पीटना और एक दूसरे मोटे डिसिपल्स का पूरी तरह से कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना, इसी के बेसिस पे लुयन उसे यहाँ पे सजा दे रहा होता है। टीचर यहाँ सूफिंग को ही डिफेंस करते हैं ये कहते हुए कि अगर सूफिंग ऐसा नहीं करता तो एकेडमी को आखिर ये करना ही था। फिर लुइन एल्डर से कहने लगता है कि इतना वीक होने के बावजूद भी आप इस जैसे डिसिपल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, जिसपे एल्डर उसे ये जवाब देते हैं कि अभी ये वीक है लेकिन अगले 10 सालों में ये तुमसे इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि तुम इसके सामने नहीं टिकोगे। इस पे यहाँ सूफिंग उनसे कहता है कि मुझे 10 साल की जरूरत नहीं है, मात्र 1 साल में ही मैं इसके बराबर के लेवल पे आ जाऊंगा। तभी हम इस सीरीज का सबसे अच्छा बेटिंग वाला पार्ट देखते हैं, जहाँ लुयन पागलों की तरह हंसते हुए उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ, 1 साल बाद हमें इसी जगह पे और इसी टाइम मिलेंगे, और अगर तुमने मेरे 3 मूव्स को डिफीट कर दिया तो तुम जीत जाओगे और मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा और उसी वक्त इस एकेडमी से बाहर चला जाऊंगा।
इस पे सूफेंग उसे कहता है कि सिर्फ एक साल ही काफी होंगे, तो तुम तैयार हो जाओ अपनी इस चीफ को डिसिपल्स की जो पदवी है उसे हारने के लिए। अब ये चैलेंज सुन के वहाँ पे सारे स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं और साथ ही इनकी ये जो फाइट होगी वो लाइफ एंड डेथ की होगी। और यहाँ लुयन जाते हुए आखिरी चेतावनी सूफेंग को देता है कि बस एक साल के अंदर ही तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पे एल्डर यहाँ सूफेंग से पूछते हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम एक साल के अंदर इस लुयन के लेवल तक पहुँच जाओगे, क्योंकि लुयन अभी युआन यू रेल के सबसे अपर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिस पर सूफेंग कॉन्फिडेंटली हाँ में जवाब देता है और यहाँ हम उसके क्रिएचर को कहते हुए सुनते हैं, तुम्हारे इस डिसीजन ने तो तुम्हारे अंदर के क्वीन ड्रैगन को और भी ज्यादा खुश कर दिया है। इस तरह का महत्वाकांक्षी और एम्बिशियस मास्टर उसे मिला है। बाकी यहाँ सीन कट होता है और हम सूफेंग को देखते हैं जिसके मन में बस यही विचार चल रहे होते हैं कि कई साल हो गए हैं। उसने अपने फादर से बार बार इस चीज के बारे में पूछा कि उसके लाइफ एक्सपीरियंस को बताएं, लेकिन जब भी वो अपने फादर से ये सवाल पूछता था उसके फादर गुस्से से उसे टाल देते थे। लेकिन जब से वो उस मकबरे से वापस आया है तब से उसके माइंड में इस तरह के क्रेजी विजन्स आ रहे हैं। उसे देखते ही उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी मच गई है कि आखिर वो रियल में है कौन। अब इन्हीं विचारों में वो डूबा हुआ होता है कि तभी उसके पास सुमिया आती है जो उसे एक्साइटमेंट में कहती है, 10 दिनों बाद सूरज डूबने से पहले तुम्हें किसी भी हाल में सुजाकू सिटी में जाना है और मुझे ढूंढना होगा। जिस पर सूफेंग उसे हैरानी से पूछता है, क्या तुम जानबूझ करके मुझे अपने घर बुला रही हो? यहाँ सुमिया उसे कहती है, तो क्या मैं अपने इकलौते दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी पे बुला नहीं सकती? सो तुम्हें जरूर से आना है और याद रखना कि मेरा बर्थडे 10 दिनों में आने वाला है। ऐसा याद दिलाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें सूफेंग को दिखाया जाता है जो तेजी से कुशान सिटी की तरफ जा रहा होता है जहाँ उसका घर होता है। आगे वो अपने घर पहुँचता है और आते ही अपने फादर से सीधा यही सवाल पूछता है कि सच सच बताओ कि मेरे असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। इस बात से उसके फादर शॉक रह जाते हैं और यहाँ पे एक कहानी शुरू होती है कि बहुत साल पहले फॉरेस्ट में उन्हें एक पागल आदमी मिला था जिसके माथे पे जलती हुई फ्लेम का निशान बना था। उस रात काफी बारिश हो रही थी और उसके हाथ में एक बच्चा था और वो पागल इंसान बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछे जा रहा था कि क्या मेरा सरनेम सू है। मैंने उस पागल इंसान को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उस पागल इंसान ने मेरे सारे फॉलोअर्स को मार दिया था, इसलिए मैं काफी डरा हुआ था और बार बार उसके एक ही सवाल करने से कि मेरा सरनेम सू है, उसने उस बच्चे को मुझे दे दिया और वो बच्चे और कोई नहीं बल्कि तुम्हें थे और उसी ने तुम्हारा नाम भी सूफेंग रखने को कहा। आगे उसने मुझे तुम्हें पालने को कहा और जब अचानक से तेज बिजली कड़कती है तो वो पागल इंसान अजीब से हरकतें करने लगा और वो इतना पागल हो चुका था कि बस बार बार एक ही चीज दोहरा रहा था कि तुमने मुझसे जो करने को कहा मैंने तो कर दिया और तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा और आगे वो सुरक्षित रहेगा। ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है और उसके बाद से मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा। अब यहाँ जो ये फादर उस मैड मैन के बारे में बता रहे होते हैं, ये वही पागल इंसान वो भिखारी को हमने उस मकबरे के बाहर देखा था। इसने सूफेंग को टच करते ही जोर जोर से वो यही बात चिल्ला रहा था। दवे अब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उसके फादर ये सारी सच्चाई सूफेंग को बताते हैं, हम देखते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी आंखें बंद हो जाती है। इस बात को जानते ही सूफेंग जल्द से बाहर जाता है और उन्हें वही मार्क्समैन खड़ा दिखता है और यहाँ सूफेंग उनसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो मार्क्समैन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि उसका नाम ह्योगी है और वही शिलोंग सेट का सबसे बड़ा एल्डर है और साथ ही वो सबसे महान वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी है। और इसी रहस्यमय स्पिरिटिस्ट की बातें हम उन चारों दोस्तों को पिछले एपिसोड में करते देखा था। गाइस, इस महान व्यक्ति के इंट्रोडक्शन के साथ ही और यहाँ सबसे बड़ा राज कभी रिवील हो गया कि जिस बच्चे की वो तलाश कर रहे होते हैं तो उनका पूरा फ्यूचर चेंज कर देगा वो और कोई नहीं बल्कि सूफेंग ही है, जिसको जिंदा रखने के लिए उसकी आइडेंटिटी को चेंज किया गया था। तो यहाँ आखिरकार सूफेंग को अपनी असलियत का पता चल जाता है। सो गाइस, आगे के जो एपिसोड्स होने वाले हैं वो और भी ज्यादा इंटरटेनिंग होंगे। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पे वो जो एल्डर मास्टर होते हैं जिनका नाम यूके होता है, वो सूफेंग को अपना डिसिपल बनाने के लिए आए होते हैं, जिस पे सूफेंग उसे पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों। जिस पे मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी रैपिडली प्रोग्रेस करती है, साथ ही तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर है जो ऑर्डिनरी लोगों में नहीं होती और यही स्पिरिचुअल पावर तुम्हें एक एक्सट्रीम जीनियस बनाती है। जिस पे सूफेंग उसे कहता है, लेकिन उस टैलेंट टेस्ट में तो मैं बुरी तरह से फेल हुआ था। जिस पे यहाँ मास्टर उसे कहते हैं कि वो स्टोन टैबलेट सिर्फ एल्डर्स के द्वारा बनाया गया एक चोचलेबाजी है क्योंकि तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल को माप नहीं सकता। और आगे वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारे टैलेंट को तो उसी वक्त पहचान लिया था जब मैंने तुम्हें उस तियानवु टॉम में यानी कि उस मकबरे में उस एयर कंट्रोलर टेक्निक को लेते हुए देखा और उस एयर कंट्रोलर टेक्निक को मैं कब से लेना चाहता था,
लेकिन मैंने तो उसी वक्त तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ देखी और तभी से ये डिसाइड कर लिया कि तुम ही मेरे डिसिपल बनोगे। तो अब बताओ, क्या तुम मेरे डिसिपल बनना चाहते हो? और अब तक मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जिससे तुम इस इंटायर कोशु कॉन्टिनेंट के नंबर वन वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन जाओगे। हम जैसे सुफिंग को देखते हैं कि वो उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करने वाला होता है, उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो अंडा होता है वो उससे कह रही होती है, क्या तुम पागल हो कि इस ओल्ड मैन की कहीं भी बातों में आ रहे हो? और मुझे तो ये देखने से लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक नंबर का धोखेबाज है। लेकिन फिर भी तुम अगर इसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ये मेरे लिए तो शर्म की बात होगी। श्री और उधर मास्टर योगी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये जो बंदा है इसे काफी ज्यादा अपने पावर पे प्राउड है, लगता है ये मुझे बहुत काम आंक रहा है, इसीलिए मुझे इसे अपना डिसिपल बनाने के लिए कुछ लालच देना होगा। जैसे ही वो अपने पास से एक स्क्रॉल निकालता है तभी सोफे के अंदर से वो एक आवाज देती है कि जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लो और इसे अपना मास्टर बना लो, क्योंकि इसके हाथ में आर्ट ऑफ एन्चेंटमेंट है। वो यहाँ पे सोफिंग ना चाहते हुए भी उसे एक के कहे मुताबिक उस योगी को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे सोफिंग उस स्क्रॉल को खींचने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो मास्टर वो स्क्रॉल को देना नहीं चाहते थे। तभी वो ये कहते हुए कि ये इंचेंटमेंट को लेना तुम्हारे लिए एक लास्ट टेस्ट होगा मेरी तरफ से, कि अगर तुम एक महीने के अंदर इस आर्ट ऑफ इंचेंटमेंट के सारे वर्सेस को याद कर लेते हो और अगर तुम इसकी पावर को मास्टर कर लेते हो तब तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना मैं तुम्हें इस एकेडमी से खदेड़ बाहर करूंगा और साथ ही तुम्हें उस सीक्रेट बैरियर टेक्निक को रिवील करने से प्रिवेंट करते हुए तुम्हें एक साइलेंट मौत दूंगा। मास्टर योगी वहां से ये कहते चले जाते हैं कि मिलते हैं अब एक महीने बाद जब तुम मुझे कुछ गुड न्यूज सुनाओगे। इधर सुफिंग ये सोच रहा होता है कि वो एक महीने के अंदर कैसे इस आर्ट ऑफ एन्चेंटमेंट को मास्टर कर पाएगा, तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ मास्टर ये सोच रहे होते हैं, बिना मेरी गाइडेंस के तुम्हें इस एन्चेंटमेंट को सीखने के लिए एक साल से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। फिर देखते हैं कि एक महीने बाद तुम मेरे पास कैसे गिड़गिड़ाते हुए आते हो। आगे हम सुफिंग को देखते हैं जो अपने फादर से ये कहते हुए कि चाहे लाइफ में उसे जो कुछ भी एक्सपीरियंस करना पड़े असल में यही उसका घर होगा और उसके असली पिता वही होंगे। अब यहाँ सीन कट होता है और आगे सुफिंग को हम एक गुफा के अंदर कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे वो अपने सब कॉन्शियस माइंड में वापस जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसी अंडे से होती है। वो एक उसे बताती है कि तुम स्पिरिट वर्ल्ड में हो और ये तुम्हारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जिसपे सुफिंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कर रही हो। अब आगे वो एक उसे बताती है कि वो एक खास तरह के बैरियर में सील है, जब से सुफिंग पैदा हुआ है उसी के मदर ने ही इस अंडे को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रखा है और बचपन से वो एक उसे जानती है। अब यहाँ पे वो एक सुफिंग के बारे में कई सारे एम्बैरसमेंट चीजें बताती है, जैसे वो 5 साल का था तो बेड पे सुसु किया करता था, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके भाई बहन उसे बुली करते थे, इवन कि उसके अपने घर वाले उसे कितना पीटते थे। इस पे अब सुफिंग उसे कहता है कि बस करो ये बातें बताना बंद करो। आगे वो उसे बताती है कि वो कई सालों से उसका इंतजार कर रही है ताकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आके उसके सील को तोड़ दे, लेकिन यहाँ सुफिंग उस पे ही सस्पेक्ट करते हुए उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिससे उस अंडे के अंदर हम एक प्रतिबिंब को देखते हैं जो कि एक लड़की की होती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। सुफिंग उसे चुप रहने को बोलता है और जैसे ही वो उस अंडे को टच करता है हम देखते हैं कि वो बैरियर जो होता है वो टूट जाता है और वहाँ पे रिवील होती है हमें एक प्यारी सी लड़की। अब जैसे ही वो रिलीज होती है यहाँ सुफिंग से कहती है कि मेल क्रिएचर्स को तो धोखा देना बड़ा ही आसान है। अब आगे वो सुफिंग के इस एहसान को रिपे करने के लिए उसे एक मैजिकल पावर देती है, जिसपे सुफिंग उस आर्ट ऑफ एन्चेंटमेंट को जल्दी से सीख पाएगा। कि वो उसे ये भी कहती है कि वो उसे इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्पिरिटिस्ट बनने में मदद करेगी, इससे वो ओल्ड मास्टर योगी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है। लेकिन आगे वो कंडीशन बताने से पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एडवांस क्रिएचर्स के बारे में बताती है और उन्हीं रेयर काइंड ऑफ क्रिएचर्स में से एक उसका मास्टर है जो इस बड़े से बैरियर गेट के पीछे है। और जैसे जैसे सुफिंग अपनी कल्टीवेशन को एडवांस करेगा भी ये बैरियर गेट टूटेगा और उसकी सेकंड स्पिरिट भी रिलीज हो जाएगी, जिसपे सुफिंग उससे पूछता है कि क्या वो स्पिरिट और भी ज्यादा पावरफुल होगी। जिसपे वो लड़की उसे बताती है जब वो स्पिरिट तुम्हें पॉजेस कर लेगी तो फिर तुम युआन वो रिल्म के मास्टर बन जाओगे, लेकिन इन दोनों स्पिरिट्स में से उस गेट बैरियर के पीछे जो स्पिरिट छुपी हुई है वो काफी वीक है, रही पावरफुल स्पिरिट की तो वो मैं हूँ जिसे तुमने अभी अभी अपने हाथों से ही रिलीज किया है। आगे वो अपने कंडीशन के बारे में बताते हुए कहती है कि सुफिंग को उसके साथ एक साइकिक कॉन्ट्रैक्ट में सील होना होगा, तभी वो कोर डिसिपल ल्यूएन को हराने में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन उसके लिए सुफिंग को उसे मॉन्स्टर्स के ओरिजिन प्रोवाइड करवाने होंगे ताकि वो लड़की अपने कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर सके,
क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए मॉन्स्टर्स के ओरिजिन्स की जरूरत होती है ताकि वो उनके एसेंस को एब्जॉर्ब कर सके। स्पेसिफिंग उसे कहता है कि क्या मुझे उन मॉन्स्टर्स को मारना होगा। इस पे आगे वो लड़की उसे कहती है कि तुम इतना सोच क्या रहे हो, जल्दी से इस बैरियर के अंदर आ लो और मेरे साथ ये साइकिक कॉन्ट्रैक्ट में सील हो जाओ, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस बैरियर को ज्यादा देर तक रोक पाऊँ। आगे सोफेंग उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है और अब वो उस साइकिक कॉन्ट्रैक्ट में सील हो चुका था। आगे सोफेंग रियल वर्ल्ड में वापस आता है जहाँ वो उस लड़की को अंडा कह के पुकार रहा था। इस पे वो उसे डांटते हुए कहती है कि मुझे क्वीन बुलाओ, और वो उसे ये भी बताती है कि जब तक वो चाहेगा वो उसकी बॉडी को पॉजेस कर सकती है और वो कभी भी उसकी पावर को बोरो कर सकता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें सुजाको सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है और वो सोमिया के फादर से यहाँ उसका हाथ मांगने आया था, ये कहते हुए अगर उनके ये सू फैमिली और उस बंदे यानी ड्रॉन की जो शांगवान फैमिली है वो सालों से उसे से लड़ाई कर रहे हैं और वो बचपन से ही सोमिया को बहुत पसंद करता था, इसीलिए अगर उनके यहाँ शादी कर दी जाए दोनों फैमिलीज की दुश्मनी खत्म होगी। साथ में वो उसे ये भी बताता है कि ज्योन सिटी के जो लॉर्ड गॉनपिंग है उन्होंने रॉन्ग को यहाँ ये ऑफर दिया है कि अगर वो सू फैमिली को पूरी तरह से डील कर ले आगे वो उस पूरे सुजाको सिटी का कंट्रोल उसके हाथों में दे देंगे, लेकिन अगर फिर भी यहाँ सुमिया के फादर इस रिश्ते के लिए मना करते हैं तो फिर भी ये उनके शांगवान जो फैमिली है वो ज्योन सिटी के साथ मिल जाएगी और ये फिर मिल करके उस पूरे सुजाको सिटी पे हमला करेंगे। अब इस पे सुमिया के फादर जो कि सुजाको सिटी के लॉर्ड होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं वो ये पॉलिटिकल रिश्ता मंजूर करे या ना। यहाँ हिचकिचाते हुए वो कुछ कह पाते कि वो जो रॉन्ग होता है वो यहाँ उनकी इस हिचकिचाहट को हामी समझ बैठता है और वो शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने सुमिया के साथ रिश्ते को इस तरह से हामी भर दी। तभी वहाँ पे सूफेंग भी आ जाता है तो इसे ये कहते हुए कि कोई भी ऐरे गहरे रिश्ता लेकर आजकल पहुंच जाते हैं। उसके ऐसा कहने की देर होती है कि हम यहाँ रॉन्ग और सुफेंग के बीच हाथापाई को देखते हैं। यहाँ रॉन्ग तो ज्यानयू रियल में होता है इसलिए वो कांटे की टक्कर सुफेंग को दे रहा होता है। तभी सुमिया की जो इल्डर सिस्टर सूरी होती है वो यहाँ बताती है कि सुफेंग में एक अच्छी खासी मेंटल स्ट्रेंथ है, इसे कम आंकने की गलती मत करना क्योंकि ये वही है जिसने लुइन को चैलेंज किया है जो कि एकेडमी का कोर डिसिपल है। भी हम सुफेंग को देखते हैं जिसके अंदर वो क्वीन उसे कह रही होती है क्या तुम्हें मदद चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक लड़की के लिए तुम दोनों का इस तरह फाइट करना तो बेकार ही है। आगे सुफेंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं और यहाँ पे हम उसे उसी आर्ट एन्चेंटमेंट का पावर का यूज करते देखते हैं। इससे वो रॉन्ग तो उसी समय हार मान जाता है और तभी यहाँ सुमिया जो होती है सुफेंग को जीतता देख उसे इतनी जोर से गले लगाती है। सुफेंग के अंदर जो क्वीन होती है वो उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा गधा भी एक अच्छी खासी लड़की को पटा लेगा। इसमें सुफेंग उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो क्योंकि हमारे बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे वो क्वीन उसे बताती है कि ये जिस तरह से तुमसे यहाँ गले लगी है ना साफ साफ पता चल रहा है कि ये तुम्हें इंटरेस्टेड है। रेवन के एक अंधा आदमी भी यहाँ देख के बता सकता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तभी वहाँ सुमिया के फादर की आवाज उसे इस सोच से बाहर निकालती है। आगे सुफेंग यहाँ उसे पूछता है कि इतने बड़े घराने के होने के बावजूद कि उन्होंने अपनी इन दोनों बेटियों का एडमिशन उस सिंगलोंग सेक्ट में क्यों कराया है जो कि सेकंड क्लास का ही सेक्ट है। तो वो जो लॉर्ड होते हैं यहाँ पे सबसे मेन बात रिवील करते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक नंबर वन मार्शल लॉर्ड हुआ करता था इस पूरे कुशु कॉन्टिनेंट का जिसका नाम जुआन तियान था। उसने मरने से पहले अपनी एक सिमेट्री बनाई थी, इसके एक ऐसा मकबरा बनाया था जो कि किन्जाओ सिटी से होके जाता है और उसी मकबरे के अंदर जाने के लिए उसने चार मेन एंट्रेंस बनाए थे जिसमें से पहला सिंगलोंग सेट होता है, दूसरा व्हाइट टाइगर, तीसरा सुजाको होता है और सबसे लास्टली युआन वो होता है। और उन्हीं के क्लूज को मैंने डिस्कवर करने के लिए सूरी को उस सिंगलोंग सेक्ट में भेजा था। कुछ दिन पहले उसने मुझे ये बताया है कि सिर्फ तुम ही हो जो उस इक्लिजर वैली से जिंदा बच के आए थे, इवन कि वहाँ पे तुमने सोमिया को भी सेव किया था। से ये कंक्लूजन निकलता है कि वो जो एंट्रेंस है उस इंपरर की टॉम का वो सिंगलोंग में ही है और तुम्हारी इस साइकिक पावर को देख के मैंने ये डिसाइड किया है तो क्यों ना तुम्हारा गठबंधन सोमिया के साथ करवा दिया जाए। तो सुफेंग उनसे चौंकते हुए कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, जिसमें वो लॉर्ड अब यहाँ पे मेन मकसद उसे बताते हुए कहता है कि तुम्हारी अगर मेंटल स्ट्रेंथ को हम अपने सुजुकी सिटी के अंपायर के पावर के साथ जोड़ दें तो फिर हमारी ज्वाइंट फोर्सेस का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा और फिर हम उस इंपीरियल टॉम को भी ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि उसके अंदर से जो भी ट्रेजर मिलेंगे वो हम इवनली हाफ हाफ बांट लेंगे कि उस इंपीरियल मकबरे में जो ट्रेजर्स होंगे उस तियानवू मकबरे के ट्रेजर से कहीं ज्यादा बढ़ के होंगे।
और कई सालों तक लोगों की यही गलतफहमी थी कि वो इंपीरियल ट्रेजर्स उसी तियानवू टॉम में ही है। इसलिए कई सालों तक उसी तियानवू टॉम में ही कई सारे हमले किए गए, लेकिन वहाँ पे लोगों को सिर्फ स्पिरिचुअल पर्ल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आगे यहाँ लॉर्ड उसे ये कहते हुए कि तुम्हारी इस सिंसियरिटी को देखते हुए सोमिया के साथ तुम्हारी मैरिज को फिक्स कर देते हैं, ताकि हमारे बीच की ये जो प्रॉमिस है वो और भी अटूट हो जाए। उस ट्रेजर का नाम सुनते ही यहाँ जो सूफिंग के अंदर वो जो क्वीन होती है उसे बस एक ही चीज चिल्ला के कह रही होती है कि जल्द से जल्द इसे प्रॉमिस कर दो कि उस इंपीरियल मकबरे में जो ट्रेजर्स है उसमें कई सारे ऐसे मैजिकल टूल्स हैं जो तुम्हारे फ्यूचर कल्टिवेशन में तुम्हें काफी बेनिफिट देंगी। इसलिए जल्दी से उसके साथ यहाँ प्रॉमिस कर लो ताकि हम दोनों को इससे फायदा पहुँच पाए। इसमें सूफिंग यहाँ क्वीन को चुप रहने को कहता है और आगे वो लॉर्ड से कहता है कि आप अपनी बेटी को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन सूफिंग को नहीं, क्योंकि वो इतना लालची नहीं है कि वो एक बीस्ट बन जाए। वैसे कहते हुए वो चला जाता है और यहाँ इनके पूरी कॉन्वर्सेशन को सूमिया और सूरी सुन रहे होते हैं। सूमिया को सूफिंग की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो मन ही मन उससे शादी भी करना चाहती है, इसीलिए वो इसके रिजेक्शन को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके आंसुओं के साथ ही हमारे ये जो एपिसोड होता है वो फिनिश होता है, ये खत्म होता है। और हम अगले एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं होता है जहां हम सूफिंग की जो फर्स्ट स्पिरिट क्वीन होती है वो सूफिंग से कह रही होती है कि तुम्हें उस लॉर्ड का सन इन लॉ बन जाना चाहिए था और अगर तुम इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करते तो तुम्हें उस इंपीरियल टॉम का भी पता चल जाता जिसके अंदर के रेयर ट्रेजर्स सब तुम्हारे होते। लेकिन यहाँ अचानक से उसका रास्ता वही रॉन्ग रोकता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जबरदस्ती सूमिया का हाथ मांगने आया था और यहाँ सूफिंग ने उसकी अच्छी खासी खबर ली होती है। अब वो अपनी पिटाई का ही बदला सूफिंग से यहाँ लेने आता है, लेकिन यहाँ वो अपने साथ अपने एक अंकल को भी लाता है जो ज्वान सिटी के ही एक सीनियर होती है और स्पेशली रॉन्ग ने इसे सूफिंग को मरवाने के लिए बुलाया था, जिसपे सूफिंग उसे कहता है कि तुम अभी भी एलिमेंट्री स्कूल में हो क्या कि तुम फाइट नहीं करना चाहते तो अपने साथ यहाँ पेरेंट्स को लेके आए हो। लेकिन वो अंकल ये कहते हुए कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है लड़के और आज हम तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवा देंगे। अब आगे वो यहाँ सूफिंग पे अटैक करने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो अंकल है वो अपने ज़ुआनवू रियल्म के फिफ्थ लेवल पे है, जिसपे सूफिंग यहाँ उनका मुकाबला नहीं कर पाता और वो उस झरने से नीचे गिर जाता है। अब यहाँ सूफिंग को गिरने से बचाने के लिए उसकी जो क्वीन स्पिरिट होती है वो जल्दी से उसके बॉडी को कैप्चर कर लेती है। इधर दूसरी तरफ हम रॉन्ग को कहता देखते हैं कि ये तो नीचे गिर गया है खाई में, जब तक इसकी लाश नहीं मिलेगी हम ये साबित कैसे करेंगे कि ये मारा गया है। इस पे उसके अंकल ये कहते हुए कि अगर तुम्हारी इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम खुद जाके अंदर क्यों नहीं देख लेते और वैसे भी हमें उसकी लाश लाने को तो नहीं किया गया था, तो तुम उस लुइन को इन्फॉर्म कर दो कि सूफिंग को मारने का काम हमने उसके कहने पे पूरा कर दिया। अब यहाँ हमें रिवील होता है कि ये सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो उस लुइन ने ही सूफिंग को मरवाने के लिए की थी। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हम सूफिंग को पानी में देखते हैं और वो नदी उसे बहाते हुए एक गुफा की तरफ ले जाती है। सूफिंग की अब आंखें खुलती है और क्वीन स्पिरिट उसे बताती है कि उसने उसे प्रोटेक्ट कर लिया है और वो अब एक गुफा के अंदर है। आगे सूफिंग के केव के अंदर जाने से उसे यह आभास हो जाता है कि यहाँ पे पहले भी कोई आ चुका है और यूजली इस तरह का जो दीवार पे मैजिक चार में बनाया गया है वो किसी टॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है या तो किसी चोर के उसमें एंट्री लेने से बचाने के लिए इस तरह का मैजिक किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस केव के अंदर जाता है वो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि वहाँ पे अनगिनत मॉन्स्टर मरे पड़े थे और उन्हें चेक करने पर ये पता चलता है कि अभी अभी जिसने इन मॉन्स्टर्स को मारा है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा क्योंकि ये खून ताजा है और वो अभी इसी गुफा में होगा। दूसरी तरफ हम यहाँ कोई सूफिंग के अंदर के क्वीन स्पिरिट को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर को देख करके ललचा जाती है। जैसा कि हमें पता है कि सूफिंग और उस क्वीन स्पिरिट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के कल्टीवेशन में मदद करेंगे, इसके लिए सूफिंग को जो उसके क्वीन स्पिरिट है उसे अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए हर रोज मॉन्स्टर के एसेंस को एब्जॉर्ब करना होगा। आगे हम उसकी क्वीन स्पिरिट को उन मॉन्स्टर्स के एसेंस को एब्जॉर्ब करता देखते हैं, लेकिन जल्द यहाँ सूफिंग रुक जाता है क्योंकि उसे बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। तो यहाँ सूफिंग छुप के देखने लगता है तो पता चलता है कि कोई टाइगर स्पिरिट है, इसे कैप्चर करने के लिए एक मास्क लगाई हुई लड़की उस पे लगातार अटैक कर रही है। अब आगे जैसे ही वो टाइगर स्पिरिट यहाँ पे उस लड़की पे अटैक करने वाली होती है कि सूफिंग इनके बीच में आ जाता है और यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट करते हुए उस टाइगर के अटैक को रोक लेता है। इसमें वो टाइगर यहाँ सूफिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी एग्रीमेंट के बीच आने की। उस टाइगर को बात करता देख यहाँ सूफिंग तो काफी हैरान रह जाता है। आगे वो टाइगर उसे बताता है कि वो एक सीक्रेट स्किल है जो कि मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा अलग होता है और इस स्किल को सिर्फ वही अक्वायर कर सकता है जिसे वो टाइगर अपना मास्टर चूज करेगा और कोई भी ह्यूमन इस स्किल को खुद से नहीं सीख सकता। और जैसे ही वो टाइगर अपना मास्टर चूज करेगा उसकी कल्टीवेशन लेवल 100 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी।
आगे वो टाइगर के बताने से उसे पता चलता है कि उस लड़की और इस टाइगर स्किल के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था कि अगर उस लड़के ने इस टाइगर स्किल को हरा दिया तो वो टाइगर इसे अपना लॉर्ड चूज कर लेगा। अब जबकि सूफिंग यहाँ पे इनकी फाइट के बीच आ गया तो यहाँ पे वो टाइगर इन दोनों को ही आपस में फाइट करने को कहता है और इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसे ही वो अपना लॉर्ड स्वीकार करेगा। अब यहाँ वो टाइगर बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि इन दोनों की वो शानदार फाइट को यहाँ पे एंजॉय करेगा। लेकिन हम इधर उस लड़की को देखते हैं जो कि सूफिंग को घूर के देख रही होती है। मात्र उसके देखने भर से ही सूफिंग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, जिसपे यहाँ उसकी क्वीन स्प्रिट उसे बताती है कि इस लड़की की बॉडी एक खास तरह की बॉडी है जो कि एक ऐसी बॉडी है जिसे खुद गॉड ने गिवन की है और ये बॉडी इतनी ज्यादा रेयर होती है कि वो 1 in a million होती है और ऐसे ही लोगों को मार्शल इंपीरियर या मार्शल लॉर्ड बनाया जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ तो सूफिंग ये सोच रहा होता है कि ये लड़की तो इंजर्ड हो चुकी है तो क्यों ना इसे हरा करके इस को टाइगर स्किल के टेक्निक को ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो क्वीन स्प्रिट इसकी बॉट लेवल की बॉडी के बारे में बताती है यहाँ सूफिंग के तो पसीने छूट जाते हैं। जरा हम उस व्हाइट टाइगर को उतावला देखते हैं जो उन्हें कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी अपनी फाइट शुरू करो। इतने में वो लड़की यहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ गिव अप करती हूँ। आगे वो ये कहते हुए कि तुमने मेरे पे होने वाले अटैक को ब्लॉक किया है, इसलिए मैं तुम्हें अब एक फेवर रिटर्न करती हूँ कि ये सीक्रेट स्किल अब तुम्हारा हुआ। जिसपे यहाँ सूफिंग और वो टाइगर स्किल दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं। इवन कि वो टाइगर स्किल उस लड़की से कह रहा होता है कि तुमने एक मुझे क्या समझ रखा है, तुम यूं ही मुझे किसी को भी नहीं सौंप सकती, देखना तुम इसके लिए बहुत पछताओगी। जिसपे वो टाइगर स्किल अब आगे ये कहते हुए कि इस लड़के को अब मैं उस टाइगर स्किल के साथ साथ 3 और सीक्रेट स्किल्स को भी सिखाऊंगा। अब ये सुनते ही यहाँ सूफिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे वो ब्लू ड्रैगन के साथ साथ व्हाइट टाइगर सुजाको और जुआन सिटी के इंपीरियल टॉम में इंटर करने के लिए उसे ऐसे अब सीक्रेट स्किल्स मिल जाएंगे जो इनकी सील्ड को आसानी से तोड़ देगा। अब आगे वो टाइगर सूफिंग से कह रहा होता है कि अब इस तरह से खड़े क्यों हैं, इस बैरियर्स को हटाओ ताकि तुम्हें मैं अपने सीक्रेट 3 स्किल्स को दे सकूं। अब हम देखते हैं कि सूफिंग के पास पहले से ही स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के तो पावर थी ही। वो टाइगर उसे ऐसी टेक्निक सिखाने लगता है जो कि उसके अटैक और किलिंग टेक्निक को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दे। अब ये व्हाइट टाइगर अटैक एंड किलिंग टेक्निक को सीखने के बाद यहाँ पे सूफिंग के जो अंदर क्वीन स्पिरिट होती है वो उसे पूछ रही होती है, क्या तुम सुजाकी सिटी वापस जाना चाहते हो कि जिन्होंने तुम्हें उस खाई से नीचे धक्का दिया उनसे रिवेंज लेने के लिए। जिसमें सूफिंग उसे टेक्निक का यूज करते हुए उस गुफा को तोड़ देता है और आगे उससे कहता है कि सारे के सारे अन्याय का मैं हिसाब लेकर के रहूंगा, तो इसकी सबसे पहले जिसने शुरुआत की है मुझे उससे हिसाब किताब लेना है, इसीलिए हम सबसे पहले शिलोंग सेक्ट जाएंगे। अब आगे हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टली सूफिंग उस लुइन के पास पहुँचता है। यहाँ सूफिंग को देख करके सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सभी ने रूमर फैला दिया था कि सूफिंग अब मर चुका है। अब आगे यहाँ सूफिंग उस लुइन से कहता है कि तुमने तो काफी अच्छी प्लानिंग की थी मुझे मरवाने की, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा उस जुआन सिटी का जो मास्टर था वो काफी कमजोर निकला। आगे वो लुइन से कहता है कि तुम इतने हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था, तो क्यों ना मैं तुम्हारे इस डर्टी प्लान को आज ही के आज खत्म कर दूं। जो 1 साल के बाद फाइट होने वाली है क्यों ना हम वो फाइट अभी कर ले और इस मामले को रफा दफा करें। अब ये सुनते हुए लुइन हंसने लगता है और उसे कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें बुली करता हूं और आज तुम देखो खुद अपनी मौत की तलाश में मेरे पास आ गए। अब लुइन के इतना कहने की देर होती है कि सूफिंग एक जोरदार पंच उसे मारता है और आगे सूफिंग यही नहीं रुकता, वो लगातार अपने चमाटों से जो उसे धोता है। जिससे अब लुइन ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और हम यहाँ देखते हैं कि उनके बीच उसी टाइम फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ लुइन के हर एक अटैक को जो सूफिंग होता है वो आसानी से डॉज कर लेता है क्योंकि उसी ने अपने मास्टर द्वारा दिए गए उसी इंचेंटमेंट स्क्रोल के मैजिक का यूज किया था। और इस इंचेंटमेंट स्किल को देख के लुइन भी यहाँ पे हैरान था कि ये तो इम्पॉसिबल है कि आखिर ये पावर इसके पास कैसे आ गई। वो इतना सोच ही रहा होता है कि सूफिंग उस पे अटैक करता है। अब आगे यहाँ सूफिंग अपने सारे इनजस्टिस का बदला लेने के लिए उस पे एक अंतिम अटैक करने वाला होता है कि अचानक हम वहाँ पे एक मास्क मैन को आता देखते हैं जो आते ही यहाँ सूफिंग पे अटैक करने लगता है। अब वो मास्क मैन यहाँ सूफिंग पे काफी तेजी से लगातार अटैक करता है जिससे बचते हुए सूफिंग सिर्फ उससे भाग रहा था, लेकिन लास्टली यहाँ सूफिंग हर्ट हो जाता है और वो नीचे गिरता है। अब आगे सूफिंग के अंदर जो उसकी क्वीन स्प्रिट होती है वो उसे बताती है इस पर्सन का तुम मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि अपने जुआन वो रिल्म के 9th level पे है, इसीलिए तुम मुझे अपनी बॉडी एक्वायर करने दो। आगे सूफिंग के क्वीन स्प्रिट उस पे हावी हो जाती है और यहाँ वो उस मार्क्स मैन से फाइट करने लगती है। अब चूंकि उसकी भी कल्टीवेशन पावर काफी इंक्रीज नहीं हुई थी इसीलिए वो उस मार्क्स मैन के डबल अटैक को यहाँ सह नहीं पाती।
पर वो भी यहाँ कोलैप्स कर जाती है, जिसे सूफिंग अब अपने सब कॉन्शियस माइंड में उसे उठाता है। तो उसे पता चलता है कि क्वीन स्प्रिट ने बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, इसीलिए वो अब एक डीप स्लीप में जा रही है। और यहाँ फिर से क्वीन स्प्रिट वापस से उसी अंडे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब आगे सूफिंग पे वो मार्क्समैन अटैक करने वाला होता है कि यहाँ पे सिंगलोंग सेक्ट के इल्डर्स आ जाते हैं, जो उस मार्क्समैन को ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि ये उनके सेक्ट का मामला था। जिस पे वो मार्क्समैन इल्डर से कहता है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता है और मेरे स्टेटस के सामने तुम्हारे ये सिलोंग सेक्ट तो कुछ भी नहीं है। कि तभी हम यहाँ पे सूफिंग के मास्टर को आता देखते हैं, जो उस मार्क्समैन से ये कहते हुए कि ये लड़का मेरा डिसिपल है और ये हमारी जो वर्ल्ड स्प्रिट गिल्ड है उनमें से एक मेंबर है, तो तुम्हारे स्टेटस के सामने हमारे ये जो वर्ल्ड स्प्रिट का संघ है वो काफी मायने रखता है। ये सुन के सभी हैरान रह जाते हैं कि जो दुनिया के नंबर वन स्प्रिटिस्ट है मास्टर योगे, जिन्होंने किसी को भी अब तक अपना डिसिपल नहीं बनाया था, और उन्होंने आखिरकार सूफिंग को अपना शिष्य क्यों बनाया है। आगे वो मार्क्समैन ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि लेकिन याद रखना कि जो एक साल के बाद जो फाइटिंग एग्रीमेंट है तुम दोनों के बीच में वो अब तक वैलिड है, तो इससे पहले कोई भी तुम्हें टच नहीं करेगा, तो बस तुम अब एक साल का इंतजार करो कि लुयन कैसे ही अपने ही हाथों से तुम्हारी जान लेगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम मास्टर योगो को सूफिंग को हील करता हुआ देखते हैं। यहाँ सूफिंग उससे सवाल पूछता है कि आखिर उसकी जो स्पिरिट है कितने दिनों के बाद डीप स्लीप से जाग सकती है, जिसपे मास्टर योगी उसे बताते हैं कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो जो वर्ल्ड स्प्रिट होती है वो अलग ही तरीके से काम करती है। सबसे स्लो हाइबरनेशन उनकी कम से कम 8 से 9 महीने तक की होती है, और ये हाइबरनेशन यानी कि डीप स्लीप ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन किस स्पीड से आगे इंक्रीज हो रही है। और आगे सूफिंग का एक और सवाल होता है कि आखिर वो मार्क्समैन कौन था, जिसमें मास्टर योगी उसे बताते हैं कि उसका स्टेटस इतना ज्यादा हाई है तो तुम उसके बारे में ना ही जानो तो ही बेहतर है, क्योंकि जब उसने वो एक साल के बाद होने वाली फाइट एग्रीमेंट को वैलिड किया है तो वो कोई भी तरीका नहीं छोड़ेगा तुम्हारी जान लेने का। लेकिन अब भी हमारे पास इससे बचने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि तुम्हें सबसे पहले एक बैकर चाहिए होगा, मींस कि तुम्हारे स्प्रिट के हाइबरनेशन में जाने के बाद तुम्हें एक और रक्षक की जरूरत होगी, साथ ही तुम्हें हमारे वर्ल्ड स्प्रिट संघ में शामिल होना होगा। अब उनके ऐसा कहते ही ये जो हमारा एपिसोड है यही होता है फिनिश। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सूफिंग के अंदर की जो स्प्रिट क्वीन होती है वो डीप स्लीप में चली जाती है। इसके कारण उसके मास्टर योगी उसे बताते हैं एक साल के बाद लुयन से होने वाली फाइट में अगर सूफिंग को उसमें जीतना है तो उसके लिए एक बैकर की जरूरत होगी। ये बैकअप उसे कैसे मिलेगा ये हम आगे एपिसोड में जानेंगे। अब हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम लुयन को देखते हैं, जिसको वही मिस्टीरियस मैन ले जा रहा होता है अपने गैरेज में। जैसे ही लुयन को अब उसमें होश आता है वो उसकी आइडेंटिटी पूछता है, जिसपे वो ओल्ड मैन यहाँ पे अपना मास्क हटाता है और उसे कहता है क्या तुम बदला लेना चाहते हो, जिसपे लुयन उसे कहता है कि सूफिंग की ताकत उससे कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी है, एक साल के अंदर वो इस लेवल के गैप को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे अब इस शर्म के साथ ही जीना पड़ेगा कि वो सूफिंग से हार गया। इसपे वो ओल्ड मैन उसे ये कहते हुए मोटिवेट करता है कि तुम ज़ियानु सिटी के यंग मास्टर हो, साथ ही उस सिंगलोंग सेक्ट के फर्स्ट डिसिबल होने के बावजूद भी तुम्हें अपने पर लगे इस धब्बे को मिटाना होगा। अगर तुम में इतनी ज्यादा मोटिवेशन है तो मैं तुम्हें आगे तैयार कर सकता हूँ, इसके कारण तुम अपने युआनमू रियल्म के 6th लेवल पे पहुँच सकते हो। अब इतना कहते ही वो अपनी पावर दिखाता है, जिसपे लुयन सेटिस्फाइड होके उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है। यहाँ पे वो ओल्ड मैन बताता है कि वो किंगलू पैलेस का एक जनरल है, साथ ही वो लुयन के पुराने एंसेस्टर का ओल्ड फ्रेंड भी है, इसीलिए वो उस पे इतनी मेहरबानी कर रहा है। अब आगे सीन कट होता है, वापस से सीन हमें सिलोंग सेक्ट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक जॉइंट ईगल को देखते हैं जो कि मास्टर योगी की ही सवारी होती है। आगे सूफिंग के ये पूछने पर कि आखिर ये जो वर्ल्ड स्प्रिटिस्ट होते हैं उनके लिए ये फ्रूट ऑफ रियल्म इतना वैल्यूएबल क्यों होता है, आखिर मास्टर उसे समझाते हुए बताते हैं कि वो जो फ्रूट ऑफ रियल्म होता है एक ऐसा सैक्रेड यानी पवित्र ऑब्जेक्ट होता है जो कि तुम्हारी पावर ऑफ एन्चेंटमेंट स्क्रॉल को बढ़ाने के साथ साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को भी इनहेंस कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट अपने किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस से रिगेन करने के लिए उसी होली ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब चूंकि यहाँ सूफिंग की जो स्पिरिट होती है वो डीप स्लीप में चली गई है, इसलिए सूफिंग को यहाँ काफी हार्ड ट्राई करना होगा ताकि वो फ्रूट ऑफ रियल्म को हासिल कर सके, और उसे हासिल करने के लिए उसे सबसे पहले असुरा घोस्ट टावर को क्लियर करना होगा और उस वर्ल्ड फ्रूट को सीज करते हुए एक पावरफुल वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को उसे देना होगा ताकि वो सूफिंग का अगला बैकर बन सके, यानी कि उसका रक्षक बन सके। बस सूफिंग को बचाने का यही एक तरीका है।
इतने में हम देखते हैं कि सोमिया भी वहाँ पे रोते हुए आती है, जो सोफिंग को हक करते हुए कहती है कि उस रॉन्ग ने एक महीने के अंदर उसे जबरदस्ती शादी करने का डिसाइड किया है। उन्होंने उनके घर पे भी हमला किया है, उसके फादर के भी काफी सारी वैल्यूएबल चीजों की चोरी कर ली है। और जब उसकी एल्डर सिस्टर यानी सूरी ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सोमिया को काफी लंबे टाइम तक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन किसी भी तरह से वो उनसे बचते हुए यहाँ पे आ गई है। अब एक महीने का ही रॉन्ग ने उसे टाइम दिया है और वो किसी भी हाल में उसे जबरदस्ती शादी कर लेगा, जिसपे सोफिंग उसे कहता है कि अगर वो उस पे बिलीव करती है तो अभी का अभी वो सेक्ट में वापस चली जाए। और एक महीने के बाद वो उसे सुजाको सिटी में मिलने को बुलाता है और 30 दिनों के अंदर सोफिंग किसी भी हाल में उसे ढूंढता हुआ उसे सुजाको सिटी में आ जाएगा और जिन्होंने सोमिया के साथ ऐसा किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब आगे वो उसे जाइंट ईगल पे बैठते हुए अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे यहाँ सोफिंग मास्टर से उसे पूछता है कि अगर वो फ्रूट ऑफ रियल में इतना ही वैल्यूएबल है तो वो पावरफुल स्पिरिट्स अपने लिए क्यों नहीं उसे पिक कर लेते। इस पे मास्टर योगी उसे बताते हैं कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जेड क्लैन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और इसी एग्रीमेंट के कारण असुरा घोस्ट टावर में सिर्फ यंगर जनरेशन के ही स्पिरिट्स जा सकते हैं। और वो असुरा घोस्ट टावर सिर्फ यंगर जनरेशन के लिए ही खोला जाता है, लेकिन वो टावर इतना ज्यादा डेंजरस है कि उसके अब तक के सारे लेवल्स को पार करने वाला 100 लेवल्स में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिसने सारे लेवल्स को पार किया हो। इस पे यहाँ सोफिंग अपने मास्टर से चिल्लाते हुए कहता है कि इतने बड़े खतरे के जानने के बावजूद भी आप मुझे वहाँ उस टावर में भेज रहे हैं। आगे वो लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ से उनकी जर्नी अब पैदल ही चलने वाली थी। अब यहाँ पे मास्टर एक व्हाइट रोब पहन लेते हैं और उस रल में इंटर करने के बाद सभी के पास उसी तरह का व्हाइट रोब होता है। आगे सोफिंग यहाँ मास्टर से इसका कारण पूछता है, जिसपे वो बताते हैं कि ये जो व्हाइट रोब पहने हैं ये वर्ल्ड स्प्रिटिस्ट के लोएस्ट लेवल का भी लो ग्रेड है। व्हाइट के अलावा यहाँ पे ग्रे रोब्स और ब्लू रोब भी होते हैं, लेकिन इस इंटायर किंगडम में अब तक 2 ग्रे रोब वाले ही कल्टिवेटर्स हुए हैं। और रही बात उन कल्टिवेटर की जिनके पास ब्लू रोब है, वो इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ मुट्ठी भर ही है। आगे मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन और पोटेंशियल के हिसाब से तुम्हें ये व्हाइट रोब हासिल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम आसानी से इसके फर्स्ट लेवल को पास आउट कर लोगे। इसके कारण तुम्हें वर्ल्ड स्प्रिट गिल्ड में शामिल कर लिया जाएगा और फिर उस गिल्ड का मेंबर बनने के बाद कोई तुम पे उंगली तक भी नहीं उठा सकेगा, तो हर्ट करने की बात तो काफी दूर की है। बागे हमें उसी शूरा घोष टावर को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े बॉल के आकार का होता है। इस बॉल के अंदर टोटल 4 फ्लोर होते हैं और हर एक फ्लोर के टेस्ट को पास करने के बाद ये और भी ज्यादा हार्डर होता जाता है और केवल हाई लेवल के स्प्रिटिस्ट ही इसके लास्ट लेवल तक पहुंच पाते हैं। आगे हमें बहुत सारे डिसिपल्स की कतारें दिखाई जाती हैं जो कि उस शूरा घोष टावर के टेस्ट को पास करने के लिए साइन अप करने आए थे। इसके साइन अप करने के लिए वहाँ एक आखिरी बार अनाउंसमेंट होती है। इसे सुनते ही मास्टर यहाँ सोफिंग को खींचते हुए उसके पास ले जाते हैं। इस पे वो बंदा यहाँ सोफिंग से पूछता है, क्या तुम स्प्रिट गिल्ड या जेड क्लैन से हो? जिसपे यहाँ सोफिंग को ये पता चलता है दोनों के ही डिसिपल्स एलिजिबल है इस अशूरा टेस्ट को देने के लिए और यहाँ इसके सिलोंग सेक्ट की तो कोई औकात नहीं। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा मास्टर यहाँ कब काम आएगा, मैं यहाँ अपनी आइडेंटिटी का यूज करता हूँ। यहाँ पे मास्टर उस बंदे से सोफिंग की काफी तारीफें करने लगते हैं, जिसपे मास्टर अब उस बंदे से यहाँ सोफिंग की काफी तारीफें करने लगते हैं। ये रंग जनरेशन का एकदम आउटस्टैंडिंग स्पिरिटिस्ट है और मेरे इस डिसिपल की काफी ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसमें ग्रेट पोटेंशियल है। जिसपे वो बंदा यहाँ उनकी बेइज्जती कर देता है ये कहते हुए कि तुम्हारे जैसे व्हाइट रोब वाले यहाँ रोज आते हैं और तुम जैसे छोटे मोटे सेक्ट के यहाँ पे सिटी में कोई औकात नहीं। जिसपे सोफिंग उसे एक जोरदार किक लगाता है कि तभी हम वहाँ पे एक बंदे को आता देखते हैं जो सोफिंग से काफी ज्यादा बदतमीजी करता है, इवन के यहाँ उसे बुले करने की भी कोशिश करता है, इवन के यहाँ सोफिंग को वो गार्बेज कह के भी पुकारता है। जिसपे सोफिंग उसे कहता है कि अगर मैं गार्बेज हूँ तो तुम क्या हो? जिसपे वो बंदा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लेवल के सामने गॉड लेवल का हूँ। आगे यहाँ सोफिंग भी उसे एक जोरदार नमूना दिखाता है अपनी पावर का और उसे कहता है कि मेरी पावर के सामने तुम्हारी औकात किसी कीड़े से भी कम नहीं है। लेकिन यहाँ सभी एक जैसे नहीं होते हैं। उन डिसिपल्स में से एक डिसिपल जिसका नाम बूसो होता है वो यहाँ सोफिंग का सपोर्ट करता है ये कहते हुए कि इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगने चाहिए और तुम भी हमारी तरह यहाँ पे उस व्हाइट रोप को पाने के लिए आए हो तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन रख सकते हैं, तुम हमारे साथ ही उस टेस्ट में शामिल हो सकते हो। आगे यहाँ सोफिंग अपने मास्टर की आज्ञा लेके उस असुरा घोष्ट टावर के टेस्ट को देने के लिए चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद जो बूजो होता है वो यहाँ सोफिंग को बताता है कि स्प्रिट गिल्ड और जेड क्लैन के बीच काफी सालों से दुश्मनी चलती आ रही है, लेकिन एक दिन जेड क्लैन के जो एल्डर होते हैं वो स्प्रिट गिल्ड के त्यांची से एक प्रॉमिस करते हैं, तो उनमें से जो भी उस अशूरा घोष टावर को पहले क्लियर करेगा वही इस पूरे रिल्म का लॉर्ड बनेगा। लेकिन जो जेड क्लैन होता है वो इस प्रॉमिस में हार जाते हैं क्योंकि स्प्रिट गिल्ड की तरफ से एक ऐसे मिस्टीरियस मैन ने फाइट किया होता है
जिसके बारे में यहाँ पे अलग अलग रूमर्स है कि उस मिस्टीरियस मैन की 3 आंखें हैं, उसके लंबे बाल और शार्प टीथ के कारण उसकी पर्सनैलिटी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। जब इस मिस्टीरियस मैन ने जेड क्लाइंट को हरा दिया, उस दिन से ही उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो आखिर गया कहाँ, और वो ऐसा गायब हो गया कि कोई इसे ट्रेस नहीं कर पाया ना आज तक वो इतने सालों में कभी अपेयर हुआ है। और उसके बाद से ही जो ये जेड क्लैन है उसमें एक टैबू फैल गया कि कोई भी उसका मेंबर इस अशुरा घोस्ट टावर को पूरे लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाया है। आगे जो पूजो होता है वो सूफिंग को वर्ल्ड स्प्रिट गिल्ड में शामिल होने को कहता है, क्योंकि ये जो गिल्ड है वो नए नए टैलेंट को मौका देते हैं, जिसपे सूफिंग उसे ये कहते हुए अपना रास्ता बदल लेता है कि सबसे पहले उसे व्हाइट रॉक का वर्ल्ड स्प्रिटिस्ट बनना है, इसके बाद वो डिसाइड करेगा। अब इतने में हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसे अभी भी सूफिंग ने कोटा था। वो उसे इस तरह से घूर के देख रहा होता है कि मानो उसने जरूर यहाँ कुछ कॉन्स्पिरेसी की है। अब आगे उस असुरा घोस्ट टावर में जाने के लिए एक टनल बना होता है, जिसके थ्रू जाते ही यहाँ डिसिपल्स जो टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे सूफिंग टेलीपोर्ट होके उस असुरा घोस्ट टावर की सेकंड फ्लोर पे पहुँचता है, जहाँ पे वो अपने आप को एक अजीब से लिक्विड में तैरता पाता है। अब यहाँ एक बड़े से बॉल में से एक कोल्ड करंट जैसी वेव्स निकल रही होती हैं, जो लोगों को तुरंत ही फ्रीज कर देती हैं। अब दूसरे फ्लोर पे पहुँचने के लिए यहाँ सूफिंग को उस कोल्ड करंट को पास करना होगा, लेकिन यहाँ सूफिंग उस कोल्ड करंट से बचता हुआ अगले फ्लोर पे पहुँचता है। इसी दौरान हम दूसरे डिसिपल्स को भी देखते हैं जो कि उस लेवल को पास नहीं कर पाते, और वो वापस से उसी रास्ते से टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे गिरते हैं। जितने ज्यादा स्टूडेंट उसके अंदर जा रहे होते हैं उसे कई ज्यादा तादाद में यहाँ बाहर निकलते हैं। अब ये देख के यहाँ एल्डर समझ जाते हैं कि इस बार का ये जो टावर टेस्ट है इसमें सिर्फ 2 लोगों में ही काबिलियत है इसे जीतने की। एक तो वह पहला बूजो है जो कि वर्ल्ड स्प्रिट गिल्ड में शामिल होगा, एक दूसरा डिसिपल भी होता है जिसका नाम बूफेन होता है। ये जेट क्लैन से होता है और ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह कम्पीट करेंगे, इसी के बारे में यहाँ मास्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं। आगे हमें वापस से टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दूसरे फ्लोर में अब की बार बहुत बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानें होती है जिन्हें पार करते हुए नेक्स्ट लेवल पे पहुँचना होता है। अब यहाँ पे जो बूजो होता है वो सूफिंग को उसे क्विकली फॉलो करने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि सूफिंग उसे फॉलो कर पाता सूफिंग पे कोई अटैक करता है। ये वही बुली करने वाला बंदा होता है जिसे अभी अभी सूफिंग ने पीटा था। यहाँ वो सूफिंग पे काफी सारे पत्थरों से अटैक करता है, लेकिन सूफिंग की पावर को देख के सारे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सूफिंग अपने उसी एन्चेंटमेंट स्क्रॉल की पावर का यूज करता है जिसके कारण उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि वो 1 सेकंड के अंदर ही सारे के सारे उसके चमचे को वहीं पे फ्रीज कर देता है। लास्टली वहाँ जो उनका लीडर बचता है उसे सूफिंग इस बार इतनी ज्यादा बुरी तरीके से कूटता है, जिस तरह से सूफिंग उसे लताड़ता है ये वाकई में इंटरेस्टिंग होता है। अब इससे पहले कि वो बंदा यहाँ सूफिंग पे काउंटर अटैक कर पाता उसका पैर लड़खड़ाता है और वो उस टावर से एलिमिनेट हो जाता है। और आगे हम यहाँ सूफिंग को देखते हैं जो कि काफी कमाल तरीके से अपनी हाई स्पीड का यूज करते ही उस असुरा घोस्ट टावर के 3rd लेवल के एंट्रेंस को भी आसानी से पास कर लेता है। अब आगे हम उसे तेजी से अगले फ्लोर पे ज्यादा देखते हैं, लेकिन यहीं पर हमारा एपिसोड जो होता है वो फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही मैंने अपने चैनल पे एक न्यू अमेजिंग सी सीरीज को कंटिन्यू किया है जो कि काफी अच्छी है, एंड आई होप कि आप लोगों को इसकी कहानी भी उतनी ही पसंद आएगी। बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।